गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम टू निम्बस रनिंग पावर्स बाय इंजीनियर्स अकेडमी। और हम यहाँ पर अगेन स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन सब्जेक्ट को। आज ये सभी पहले, उसके बाद हम अच्छे से और एक्सप्लेन करके बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह हम इरिगेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को कुछ ना कुछ इरिगेशन के बारे में पता ही होता है। आप सभी ने देखा होगा कि खेती किस तरीके से की जाती है, जो वाटर है फील्ड पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उन्हीं चीजों को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम साथ में एप्लीकेशन प्लस क्या होती है चीजें, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। और ये चीजें आपके पास आपके फील्ड में और आपके पास एज ए नॉलेज पर्पज से दोनों के लिए ही ये आपके पास जरूरी होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी लोग आ जाइए, उसके बाद हम जो स्टार्ट कर सकें जल्दी से आ जाइए बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून हो रहा है, 1 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। सुधीर बेटा, तुम अभी भी सो रहे हो, तुमसे कहा भी है, कहा था तुमसे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए जो मैं स्टार्ट कर सके। जागते रहे सभी लोग, नहीं तो सो जाओगे, पता है, क्योंकि टाइम तुम्हें पता है ना, 1 बजे क्लास हो रहा है तुम्हारा, तुम सो जाओगे, तुम जागते रहना। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, सभी लोग जल्दी से आ जाओ। देवकरण, सोए नहीं क्या तुम बेटा? सर और कोई टाइम नहीं हो सकता? नहीं बेटा, देखो टाइम वही होना चाहिए जिस टाइम पे नींद आता है, तभी तो पता चलेगा तुम्हें मेहनत क्या रहता है और किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करने। तो देखो, मैं इस टाइम पर अगर तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे तुम सो जाओगे, तो सोने वाले टाइम को तो यूटिलाइज करो, तो बाकी टाइम में तुम पढ़ोगे ना, तो मतलब ज्यादा टाइम तुम्हें मिलेगा तुम्हें स्टडी करने के लिए। तो यही तो हम चाहते हैं, समझो बात को बेटा। बीएमसी इसके जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हमारा इरीगेशन खत्म होगा हम बीएमसी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अरे हम सोने नहीं देंगे, तभी तो यहां पर है, तुम्हें नहीं सोने देंगे, इस चीज की गारंटी है, रखो। हाँ जरूर पढ़ाएंगे बेटा, जब तक रिवीजन करते रहना निम्बस पे यूट्यूब पर। तुम्हें बताया था कि वहां पे बीएमसी पढ़ाया था क्रैश कोर्स के अंदर, तो अगर तुम्हें बाकी रिवीजन करना होगा तो तुम वहां जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर निम्बस लर्निंग नीरज डाल के देख लेना, वहां पे पूरा पढ़ा रखा है। पर बहुत तेजी से चले हैं वहां पर, वहां पे उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हमारी क्लास के अंदर, क्योंकि वहां पे समझाया नहीं था, वहां पे सिर्फ लिखा था तेजी से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, अब सभी लोग आ गए या और कोई अभी भी बाकी है जो सो रहा हो? स्टार्ट करें क्या, बता दीजिए सभी लोग कि हम आ चुके हैं और हम स्टार्ट कर दे उसके बाद में, जल्दी से बताओ सभी लोग, हाँ कर दो कि हाँ सर हम जग रहे हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम इरिगेशन को स्टार्ट करें। चलिए, वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो बेटा? वॉइस तो मुझे लग रहा है क्लियर है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इरिगेशन मात्र 3 से 4.5 घंटे का है ओनली, 3.5 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से खत्म हो जाता है, सिर्फ मुझे बोलना है और तुम्हें सुनना है, तो 3 से 4 घंटे में इरिगेशन खत्म हो जाएगा। तुम जितना जल्दी समझ पाओगे इरिगेशन उतना जल्दी खत्म होगा, तो मैं कभी नहीं कह सकता कि खत्म कब होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। मैं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आता फिर मैं समझाऊंगा, तुम्हें नहीं आता फिर मैं समझाऊंगा, तो मतलब टाइम लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे ऊपर। तो ये तुमसे पूछना चाहिए कि कब खत्म होने वाला है, तो टाइम का हम कभी भी नहीं कहते कब खत्म होगा। हाँ 2 सेकंड में भी हो जाएगा इरिगेशन खत्म। चलो अब स्टार्ट करते हैं इरिगेशन के पार्ट को। देखिए सबसे पहले बात क्या होती है कि जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर आता है जिसके अंदर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आपको पढ़ाया जाता है एक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसका मतलब आपके पास होता है कि किस तरीके से वाटर को एज ए रिसोर्स यूज करना है इंजीनियरिंग पर्पज से। तो वहां पर हम 2 चीजों को डिस्कस करते हैं, एक हाइड्रोलॉजी होता है, एक इरिगेशन होता है। जो भी इरिगेशन का पार्ट है बेटा मैं पक्का इरिगेशन में डिस्कस करूंगा, पर जो हाइड्रोलॉजी का पार्ट है वो मैं इरिगेशन में डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, वो कहां डिस्कस करेंगे? हाइड्रोलॉजी में। तो आप प्लीज ये मत कहना कि सर ये हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, या आप ही डिस्कस कर दीजिए, जो होगा इरिगेशन का पक्का आपसे डिस्कस करूंगा एज पर सिलेबस, जो भी आप एसएससी है या कोई अदर स्टेट गए हैं, दोनों का डिस्कस करूंगा। फिर बात करते हैं, देखो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। जब अगर तुम हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, अगर मे बी आपका नहीं हुआ होगा अभी, जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाइड्रोलॉजी के अंदर
अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पर, मतलब कि सरफेस के ऊपर जो वाटर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो वहां पे हम इवोपरेशन, प्रिसिपिटेशन और ट्रांसपिरेशन, ये सब चीजें उसको हम डील करते हैं। साथ में डील ये भी करते हैं कि जो वाटर आ रहा है उसको मेजर कैसे किया जाएगा रेनफॉल इंटेंसिटी के अंदर। फिर टाइम के साथ में उसको जब बताते हैं तो वो हाइड्रोग्राफ हो जाता है। तो वो चीज हम कहां डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी में। इरिगेशन का मींस क्या होता है कि आपके पास वाटर पहले से ही है, उस वाटर को आप फील्ड पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाता है, इरिगेशन। मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का कौन सा पार्ट है, इरिगेशन वाला पार्ट, जहां पर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि हाइड्रोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं किसके, इसके फॉर्मेशन के बारे में और इसके ओरिजिन के बारे में। बात क्लियर हो चुका है कि हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर है आपके बात? वॉइस कट रही है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके लिख लीजिए यहां पर, सबसे पहले लिख लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे कि हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, WRE, एक इसका पार्ट है हाइड्रोलॉजी, जिसके बारे में हम डिस्कस क्या करेंगे, फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ वाटर। एंड जो दूसरा पार्ट है, जो हमारा पार्ट है जिसे हमें स्टडी करना है 5 से लेकर 6 चैप्टर के अंदर, जो आपके पास क्या है, इरिगेशन। और जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पानी का एप्लीकेशन कैसे होने वाला है फील्ड पर, इसके बारे में। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी सिलेबस को लेकर कि हम सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो बेटा हम तुम्हारे लिए चेंज कर देते हैं सेल को, पर मुझे लगता नहीं कि वॉइस खराब आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम आती तो सभी को आ जाती, तब भी तुम्हारे लिए चेंज कर रहा है, रुक जाए ना। अब क्लियर है बेटा वॉइस, मेरा वॉइस क्लियर है अब? बेटा वो तो टाइम बताएगा ना कि टाइम क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग तो बता पाएंगे। अभी हम कैसे कहते कि अभी हम हाइड्रोलॉजी पढ़ा दे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं कह सकते बेटा, जो इरिगेशन का आपके अगर हम पार्ट की बात करें तो इरिगेशन का अगर आपके पास एग्जाम पर्पस से पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो मान के चलिए कि आपके पास 7 से 10 जो आपके पास क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, ये आपके पास इस टाइम पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास कहां से आते हैं, हाइड्रोलॉजी से। तो अगर हम ओवरऑल WRE की अगर हम बात करें तो ये कम से कम आपके पास 12 से लेकर 15 नंबर तक का आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ओके? हाँ, RSMSSB में भी आपका ये 7 से 10 पार तक वेरी कर जाएगा आपके पास, क्लियर है? स्टेट के अंदर भी बेटा इतना ही वेरी करता, मैंने ओवरऑल बता दिया है कि यार RSMB वाले हो या AE हो या कोई भी JEE हो, ये इतना परसेंटेज वेरी करता है। अगर गेट वाले होंगे तो गेट वाले के लिए अलग होता है, सिर्फ वहां पर ये पार्ट आता है 5 नंबर का, जो कि आपके पास 3 नंबर का ये आता है और 2 नंबर का ये आता है, गेट में 5 नंबर का। बाकी अगर स्टेट एग्जाम में देखें तो ये आपके पास 7 से 10 आपके पास रहता है, ये 3, 2 से 5। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 12 से 15 यहां तक एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिविजन में चलते रहते हैं, सर्कुलेशन होता रहेगा सब्जेक्ट का, तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिए कि अगर नए स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सब्जेक्ट वापस से रिवाइज होंगे, आपके सब्जेक्ट वापस से रिवाइज होंगे, ओके बेटा? सबर तो करो पहले, सारे पार्ट डिस्कस करेंगे अभी, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि हमें आपके पास सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है, ओके। सबसे पहला आपके पास जो पार्ट है उसको बोला जाता है आपके पास क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर होगा वो आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन।
अब आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए हम पढ़ेंगे इरिगेशन क्या होता है, साथ में हम देखने वाले हैं कि जो इरिगेशन आपके पास अप्लाई किया जाता है फील्ड पर उसके टाइप्स आपके पास क्या होते हैं, जब आप उसको फील्ड पर अप्लाई करोगे तो किस टेक्निक से आप अप्लाई करोगे, जो आपने प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, जो नहीं भी देखे होंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके क्वालिटी पैरामीटर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इरिगेशन वाटर जो हम यूज लेने वाले हैं अपने पास काम के अंदर उसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, वो सब कुछ कहां पे पढ़ने वाले हैं इस आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। तो मैं यहां पे बता देता हूं बेसिक जो जनरली यहां से पूछा जाता है वो आपके पास क्या रहता है, एक तो पूछा जाता है इसके टाइप्स एंड दूसरा पूछा जाता है इसके आपके पास टेक्निक के बारे में। क्या पूछा जाता है? टेक्निक्स के बारे में। ये आपके पास यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, याद रखना इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन के अंदर जो आपके पास टाइप एंड टेक्निक ऑफ इरिगेशन है ये एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा जो आपके पास एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो आपके पास है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि जब हम किसी भी क्रॉप्स को उगाते हैं, कोई भी जब फसल उगाई जाती है तो कुछ पानी हम उसको उगाने से पहले देते हैं, जो कुछ सेंटीमीटर उग जाती है, कुछ सेंटीमीटर हाई हो जाती है तो फिर हम पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में देते हैं, जब वो कुछ ज्यादा अमाउंट में आपके पास खड़ी हो जाती है कुछ हाइट तक तो पानी देना कम कर देते हैं, और जैसे जैसे उसका आपके पास सोविंग होता जाएगा और हार्वेस्टिंग तक बढ़ते जाएंगे तो पानी की जो एप्लीकेशन है वो कम होता जाएगा। तो मतलब पानी मान कि सोइल को अंदर आपके पास उसको सॉफ्ट करने के लिए और सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग मतलब उगाने से लेकर काटने तक जितना भी पानी हम देंगे वो सब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और साथ में पानी से रिलेटेड जो भी आपके पास है और आपके पास जो क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सब कुछ हम यहां पढ़ने वाले हैं। इसलिए बेटा जो आपके पास ये वाला जो चैप्टर होने वाला है इसको हम कह देते हैं पहले से ही 5 स्टार। इसको हम पहले से क्या कह देते हैं? 5 स्टार कह देते हैं। 6 हो गए तो ये भी 6 भी कर लेना क्योंकि सबसे ज्यादा आपके पास यहीं पर है। जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो सबसे ज्यादा आपके पास यहां से पूछा जाता है, ये बात याद रखना। 50% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से पूछ जाए। और जो तीसरा आपके पास है, तीसरा आपके पास क्या है? डिजाइन ऑफ कैनाल सेक्शन एंड वाटर लॉगिंग। अब आपके पास क्या है? जो आपके पास ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पानी जब आपके पास क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई होती है ना तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आपके पास क्या हो जाती है? वाटर का रिक्वायरमेंट होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। सेम एग्जांपल लेता हूं आपसे, जब आप बच्चे थे छोटे थे तो आप इधर से उधर घूमते रहते थे और आपको पता है कि आप जब इधर से उधर घूम रहे हो और चिल्ला रहे हो रो रहे हो तो आपको एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगा? जब आपको खाना पीना मिलेगा। तो यहां पे याद रखिए कि जो क्रॉप्स के लिए जो यहां पे खाना पानी है वो क्या है? वाटर है। तो वाटर उस टाइम पर जिस टाइम पर कुछ सेंटीमीटर हाई है तो वहां पर उसको ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, इसलिए वहां पर जो पानी रहता है वो ज्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो ज्यादा अप्लाई किया जाता है। तीसरा है डिजाइन ऑफ कैनाल सेक्शन एंड वाटर लॉगिंग। यहां पर आपके पास क्या होता है कि आपको पता है कि इरिगेशन आपको करना है तो पानी हम ऐसा तो है नहीं कि सीधा की सीधा जो नदी जा रही है जो रिवर है वहां से डायरेक्ट पानी को मोड़ देंगे। पहले आपके पास डायवर्जन किया जाता है, मतलब रिवर से डायवर्जन करा कैनाल में, ये मेजर कैनाल है क्योंकि रिवर से, फिर मेजर से आपके पास मेजर से फिर डायवर्ट कर दिया जाता है जिसको बोल देते हैं ब्रांच, ब्रांच से फिर डायवर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खेत में जो पानी चाहिए उसका क्वांटिटी क्या है? कम है। और आपके पास जो वाटर है जो डायवर्ट कर रहे हैं वो अमाउंट में क्वांटिटी ज्यादा है। अगर ज्यादा पानी डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया तो आपका पूरा खेत बह जाने वाला है, खेत छोड़िए आपका पूरा गांव भी उसके साथ में बह जाएगा। तो क्या करेंगे? डायवर्जन करेंगे, पहले मेन फिर ब्रांच फिर मेजर फिर माइनर, एंड माइनर के बाद आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसे बोलते हैं आउटलेट, जो आपके खेत के अंदर एक नाला बना के दी जाती है। वो सब क्रॉस सेक्शन हम कहां पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और साथ में हम क्या सीखेंगे? वाटर लॉगिंग क्या होती है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि पानी का ज्यादा आपके पास कहां पे जाना? रूट जोन के अंदर जाना वाटर लॉगिंग कहला देता है। पूरा की पूरा पानी भर जाता है वाइड्स में जिस कारण से वहां पे एरेशन नहीं हो पाता। मैं डिस्कस करूंगा इसी के अंदर, सोचना मत
कंफ्यूज मत होना, बहुत चीजें बाकी आ रही, तो ये हमारे पास यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर एक पढ़ेंगे यहां पर अनलाइन कैनाल, और दूसरा हम यहां पे पढ़ने वाले हैं आपके पास क्या, लाइन कैनाल। अनलाइन कैनाल और लाइन कैनाल के अंदर डिफरेंस आपके पास क्या होता है, जब आपके पास कोई भी कैनाल है उसके साइड और उसके बॉटम पर मैं कोई लेयर लगा देता हूं इम्परमेबल, तो उसको बोल देते हैं लाइन कैनाल। जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर, आपके पास कैनाल बेड है, आपने टाइल लगा दिए, स्टोन लगा दिया, आपने कॉन्क्रीटिंग कर दी, आपने मोर्टार लगा दिया, तो ये सब चीजें आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास लाइन। पर अगर आप उसके बॉटम के अंदर कुछ भी नहीं लगाते ना, साइड में कुछ करते हैं, तो मिट्टी के साथ ही बहती रहेगी और ऐसे कैनाल क्या कहलाएगी, अनलाइन। तो यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो आपके पास अभी भी रिसेंटली यूज भी कर रहे हैं। एक होता है लेसी, जिसको रिसेंटली हम यूज भी करते हैं, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा है कैनेडी, ये दोनों थ्योरी बार बार एग्जाम में आती है और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आपके पास इन दोनों के अंदर। क्लियर है बात को? हाँ, लेसी और कैनेडी हमें इन दोनों के लिए ही पढ़नी है, मोस्टली अनलाइन के लिए रहती है, लाइन के लिए तो अलग हम मेथड पढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ, कैनेडी और लेसी बेटा क्लियर है ना, वो हम सब यहीं पे पढ़ने हैं बेटा, सब नोट करवाएंगे दिनेश, बेटा सब नोट करवाएंगे, तुम्हारी कसम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी कसम सब नोट करने देंगे, अभी बता देते हैं, ठीक है। चौथा आपके पास जो पार्ट है, चौथा जो फोर्थ चैप्टर है, वो आपके पास है वाटर स्टोरेज वर्क। क्या है? वाटर स्टोरेज वर्क। वाटर स्टोरेज वर्क के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे दो टर्म्स को, एक आपके पास डैम होगा, ओके, और दूसरा आपके पास क्या होगा, स्पिलवे। इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके, डैम एंड स्पिलवे। वाटर स्टोरेज वर्क क्या रहता है कि पानी को आपके पास रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, माइनर स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है वियर एंड बराज, और जो मेजर स्ट्रक्चर होता है बड़ा सारा उसे बोलते हैं डैम। ऐसे ही स्पिलवे भी आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो डैम के अंदर होता है, पक्का आपको दिखाएंगे कैसा होता है, उसके एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे उन्हीं चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5 आपके पास है थ्योरीज ऑफ सीपेज, थ्योरीज ऑफ सीपेज। यहां पर हम जो थ्योरी ऑफ सीपेज है, इसमें हम सीपेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आपके स्ट्रक्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके क्या डिसएडवांटेज है, और उसके लिए इस सीपेज को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे सीपेज हमारे लिए खराब होता है, तो उसके डिसएडवांटेज और उसको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ थ्योरी होती है, जैसे बिलिंग्स थ्योरी हो गई और एक थ्योरी और है, उन दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास केनाल रेगुलेशन, इसके साथ में एक चीज और पढ़ेंगे यहां पर, बता देते हैं केनाल रेगुलेशन, केनाल रेगुलेशन वर्क। मतलब कि देखो नाम क्या है, केनाल रेगुलेशन वर्क, मतलब केनाल को रेगुलेट करने के लिए, मतलब केनाल को चलाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर को यहां पर हम साथ में डिस्कस करेंगे जिन्हें क्या बोला जाता है, केनाल रेगुलेशन वर्क कहा जाता है। और एक जो छठा है ना, उसमें जितने भी टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं जो किसी चैप्टर के अंदर नहीं आते, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसलिए हम इस पार्ट को हम बोल देते हैं मिस सेलेसियस, ठीक है। क्या बोल देते हैं, मिस सेलेसियस, ठीक है। बहुत सारे पार्ट है, कम से कम 2-3 पार्ट है यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, एक दो मैं बता देता हूं आपको, फिर क्या हो गया सर ने बताया नहीं। मिसेलिसिस में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉल। फॉल आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जब कोई स्ट्रक्चर है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, जहां से पानी आता है उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, जब पानी जाता है उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब पानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आ रहा है तो इस तरीके से फॉल होगा, तो जो भी फॉल आपके पास होते हैं, कोई इस टाइप से हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, अलग अलग टाइप के फॉल होते हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, डाइवर्जन जो वर्क होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी जो हमारा बच जाएगा वो हम सब कुछ इस मिसेलिसिस में डिस्कस करेंगे, ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपका जो सब्जेक्ट है ना, आपका जो सब्जेक्ट और आपको बेटा पढ़ना है वो ये तीन ही है, वो ये तीन ही है, ये बात याद रखना। आपका जो पेपर है वो 80% आपके पास, हाँ बिल्कुल सही, ओगी है आपके पास है, मोंटेग्यूस है, इंग्लिश है, वर्टिकल है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत बताने वाले हैं, तुम्हें पागल हो जाओगे, बट वो बंद नहीं होंगे, इस चीज की मैं गारंटी तुम्हें कह सकता हूँ, बहुत चीज है, ठीक है। तो जो
तीन चैप्टर है ना स्टार्टिंग के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो आपका सिलेबस का 70-80% ये कवर करता है। और जो पीछे के तीन चैप्टर है वो ओनली चांसेस होते हैं 20% से 25% आपके एग्जाम में आने के। पर याद रखना ये तीन चैप्टर आपके पास 70% कवर करते हैं सिलेबस का, ये बात याद रखना। हाँ टॉपिक वाइज वेटेज भी बता दें, बेटा टॉपिक वाइज अगर वेटेज की अगर बात करें तो जो आपके पास रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है ये 40% कवर करता है, ये आपके पास बेटा कवर करता है आपके पास मान के चलिए 15%, और ये भी कवर करता है आपके पास 15%, 40% और तीनों कवर हो जाते हैं 70 में। और उन तीनों चैप्टर को 10-10-10% का कर लेना, ओवरऑल कितना हो गया 100% हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेटा वो सब वहीं पे बात करेंगे। लोकेश बेटा जो आपके पास ये मिसेलिसिस बताया है इन्हीं के अंदर हमें डिस्कस करना है, ठीक है? हाँ तो बोल दो बेटा, नोट कर लिया आप सभी ने सिलेबस को? नोट कर लिया क्या बेटा? तो आगे डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट नंबर फर्स्ट, ओके। और इस यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपके पास नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इरिगेशन आपके पास क्या होता है, ठीक है? तो इरिगेशन का मतलब आप सभी को पता है, रुको सर रुक गया बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, बस सिर्फ तुम्हारे लिए रुके हैं, बता देना और कुछ करना हो तो। अब स्टार्ट कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? तो इरिगेशन आपके पास क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फील्ड के ऊपर जो कहलाता है वो इरिगेशन है। अब बात ये क्या आती है कि इरिगेशन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम दे, अगर हम बात करें नॉर्मल बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि हमारे पास बरसात होती है, बरसात जो होती है ना वो ओनली एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है जिसे हम बोलते हैं मानसून, जो आपके पास जून से लेकर अगस्त तक रहता है, हार्डली हार्डली अगस्त के एंड तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस बार हुआ था कि सितंबर तक चले गया था, पर जनरली जो आपके पास मानसून का पीरियड हम मान के चलते हैं वो जून के मिड से लेकर आपके पास अगस्त के एंड तक आपके पास रहता है। पर जो आपके पास क्रॉप्स है वो तो आपके पास पूरे साल उगाई जाती है, तो पानी तो आपके पास जो रेनफॉल से आ रहा है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है, तो मतलब उस टाइम पर जो पानी आ गया उसको तो हम स्टोर कर लेंगे, उसको हम यूज भी कर लेंगे, पर उसके बाद अगर हम पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो बेटा उस टाइम पर जहां पर पानी जो आपके पास रेनफॉल से हो रहा है वो अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं होता तो उसके अलावा आपको जो पानी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम एक आर्टिफिशियल पानी अप्लाई करते हैं और उसी को ही कहा जाता है इरिगेशन। तो क्लियर हुआ, मतलब इरिगेशन हम वहां पे देंगे जहां पे पानी जो आपके पास आ रहा है रेनफॉल से वो सफिशिएंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान के हम बात कर लेते हैं तो आपको एक रीजन पता होगा कि यहां पर एक थार का मरुस्थल भी आता है जहां पे बरसात नामात्र होती है, तो मतलब वहां पर आपको उगाने के लिए किसी भी क्रॉप्स को पानी वहां पे देना ही पड़ेगा। जबकि अगर आपके पास इस जोन की अगर बात करें ईस्ट वाले की, वहां पे सफिशिएंट बरसात होती है, तो अगर आपके पास इरिगेशन वहां पे नहीं भी करते तो हमें जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे हमारे पास पानी अवेलेबल हो जाता है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर बात है? तो मतलब इरिगेशन का मतलब क्या है कि अगर पानी वहां पर जो रेनफॉल से हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है और हमें वहां पे पानी जरूरत है किसी क्रॉप को उगाने के लिए, तो आर्टिफिशियल पानी का जो जरूरत पड़ेगा हमें उस क्रॉप को उगाने के लिए उसे क्या कहा जाएगा, इरिगेशन कहा जाएगा। पानी कब तक अप्लाई करना चाहिए, इरिगेशन करते वक्त क्रॉप्स का एक टाइम आता है जिसे बोलते हैं सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग, जिसे बोलते हैं क्रॉप पीरियड। उस क्रॉप पीरियड के अंदर हम पानी को बार बार अप्लाई करते हैं, वही क्या कहलाएगा, इरिगेशन। और क्यों इस टाइम पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो आपके पास क्रॉप है वो आपके पास मैक्सिमम मेच्योरिटी गेन करेगा, मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है पूरे फील्ड का वो मैक्सिमम हो पाएगा क्योंकि हम पानी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर बात है?
क्लियर बात है बेटा? हाँ, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखना है, बट नॉलेज के लिए थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो हम लिख देते हैं यहां पर आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पास इंट्रोडक्शन की, हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन। क्या है बेटा ये? चलिए लिखिए इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, इट कैन बी, इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज आर्टिफिशियल, इट कैन बी डिफाइन एज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। बेटा साथ साथ नोट करते हो चलना, ओके? रेन को इरिगेशन में नहीं लेंगे क्या सर? नहीं बेटा, जब रेनफॉल आपके पास हो रहा है तो आपके पास डायरेक्टली हम फील्ड के अंदर वहां पे स्टोर करके यूज कर सकते हैं, ओके? पर इरिगेशन में क्या होता है कि पानी, एक आपके पास जो सोर्स रहता है कैनाल, वहां से पानी को अप्लाई किया जाता है, ठीक है? तो रेन के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना आप उसको रोक सकते, वो तो आएगा तो स्टोर कर लोगे, और अगर ज्यादा आएगा तो आपके पास क्रॉप्स को भी खराब कर देता है, ठीक है? तो हम मान के चलते हैं कि जो रेनफॉल होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि हमारा जो रीजन है ना वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और उस टाइम पे जो बरसात होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। जैसे कि अगर मैं मान के चलो कि मैं पोल की तरफ चला जाऊं जहां ठंड ज्यादा होती है, वहां बरसात भी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे मुझे इरीगेशन की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पे मुझे सफिशियंटली आपके पास बरसात हो जाएगा, या सफिशियंटली आपके पास वहां पे बर्फ पड़ती रहेगी, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा वहां पे इरीगेशन का। बट हम जिस जोन में आते हैं वहां पे बरसात सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, इसलिए मुझे वहां पे इरीगेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, हरियाणा में भी पड़ता है भाई, वो भी उस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही आता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट दी, थ्रू आउट दी ग्रोविंग पीरियड, थ्रू आउट दी ग्रोविंग पीरियड ऑफ crop at desired interval। नोट कर लीजिए, और आपके एग्जाम में सिर्फ एक लाइन आती है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यह लाइन आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके? ये इसका इंट्रोडक्शन इरिगेशन का, कि इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट दी ग्रोविंग पीरियड। ग्रोविंग पीरियड मैंने आपको बताया ना क्या होता है, सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग का जो टाइम है बेटा, वो क्या कहलाता है, ग्रोविंग पीरियड कहलाता है। डिजायर इंटरवेल मतलब ऐसा नहीं जितना पानी चाहिए एक साथ दे दो, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद में पानी देना चाहिए। अगर आप देखते होंगे जब बस से जाते हो तो पानी वहां पे छिड़काव करते रहते हैं, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम से, तो पानी कुछ टाइम के बाद में अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं कि जितना पानी चाहिए एक साथ दे दो, कुछ टाइम के बाद में, ठीक है? इसलिए मैंने क्या लिखा है, एट डिजायर इंटरवेल, जिस टाइम पर उसको चाहिए उस टाइम पर ही एप्लीकेशन किया जाएगा पानी का, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग में क्रॉप्स का क्या एप्लीकेशन है सर? बेटा क्रॉप्स का एप्लीकेशन तो हम यही कह सकते हैं कि उस क्रॉप्स को अगर आप कर रहे हैं कॉमर्शियल बेस पे से, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? कॉमर्शियल वाली क्या होती है कि हम उनको बेच सकते हैं, बेचकर हमारा जो आपकी इनकम है उनको ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्रॉप्स कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग पर्पज से भी जरूरी है। और क्रॉप्स का अगर सिविल इंजीनियरिंग से अगर बात करें, अगर बेटा आपको WRD डिपार्टमेंट मिल गया तो आपको उन क्रॉप्स का नॉलेज सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्रॉप्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जो वाटर बना रहे हो, पानी जो स्टोरेज बना रहे हो पानी के लिए, वो बना ही नहीं पाओगे। जैसे मान के चलो कि कहीं पर आपका पास बाजरा होता है, जैसे जैसलमेर की तरफ, तो आपका अगर वहां पर लग गया तो वहां पर बाजरा पानी कम लेता है, तो वहां पर पानी का स्टोरेज जो बनाना है और जो पानी डाइवर्ट करना है वो कम करना होगा। और ऐसी जगह जहां पर आपके पास चावल उग रहे हैं या फिर अपने पास गन्ना उग रहा है, तो बेटा उसमें पानी ज्यादा चाहिए, तो उस जगह के लिए स्टोरेज आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। तो एज पर नॉलेज ऑफ क्रॉप आपको जो स्ट्रक्चर बनाने हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप WRD डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको क्रॉप्स का नॉलेज भी आपका सिविल इंजीनियरिंग जो है स्ट्रक्चर वो आपका डिसाइड करेगा, ठीक है?
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेटा आप ये होता है कि हम वहां पर जो क्रॉप्स होती है उसको किस तरीके से उगाना चाहिए, उसका फर्टिलिटी पावर क्या होता है, उसका फर्टिलिटी पावर कैसा होना चाहिए, जो न्यूट्रंस है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो यूरिया है वो कैसे बनाया जाता है, उसके कंपाउंड क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो पानी है उसके अंदर के जो न्यूट्रंस है उनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो वाटर और क्रॉप्स इन दो को ही मिला के खत्म हो जाती है, जबकि यहाँ पर हमारा सिविल इंजीनियरिंग आता है, इसलिए हम यहाँ पर जो पानी आ रहा है कैनाल से उसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, डायवर्जन की, कैनाल की, रिवर की, इन सबकी हम बात करने वाले बेटा आगे। ओके आगे चले। हाँ तो बोल दो। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं जैसा कि आप लोग भी रहते हैं तो हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, कि अगर कि हमें अगर इरिगेशन नहीं भी हो तो क्या हम अपने जो क्रॉप्स है उसको उगा सकते हैं या नहीं उगा सकते, इसका मुझे अगर आंसर चाहिए तो हम इस बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ओके तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये आपके पास क्या कहला रहा है जो सेकंड पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन की आवश्यकता, कि हमें इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है। ओके आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर इरिगेशन आपके पास यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या आप अपने क्रॉप्स को उगा सकते हैं, कौन सी कंडीशन होगी जहां पे मुझे इरिगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बताइए किस कंडीशन में आपको इरिगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बताइए बेटा जब तक। हाँ बेटा जैसा तुम कहो, मान लो हम बांग्लादेश से हैं, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, तुम्हारा दिल टूट जाएगा बेटा, मना कर देंगे, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ओके सबसे हाँ जहां पे नेचुरल वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल हो, बिल्कुल सही अर्पित बेटा, बिल्कुल सही कहा है आपने कि चलिए अर्पित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप अर्पित कह रहे हैं कि जहां पे पानी सफिशिएंट होगा वहां पे हमें इरिगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको रीजन बताता हूं, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना वो इंडिया का इस तरीके से आपके पास आता है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं कहां पर लाई करता है। मान के चलिए कि ये हमारे पास को अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ओके देखो मैं डायग्राम, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी कसम का कह रहा हूं मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है, और स्ट्रक्चर बहुत आने वाले हैं, मैं स्ट्रक्चर बहुत बनाऊंगा, पर यू मत कहना कि सर ड्राइंग अच्छी नहीं है, पहले मैं तुमसे बता रहा हूं, ये हमारे पास अर्थ है और इसके सेंटर से एक आपके पास एक्सिस जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसके सेंटर से जो एक्सिस जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए, ठीक है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटर, ओके जो आपके पास कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर मान के चलते हैं, है ना, बिल्कुल सही। फिर बात करते हैं आपके पास इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर और इससे थोड़ा सा नीचे यहां पर जो आपके पास डिग्री है वो है 23 वन बाय हाफ, और ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो हम यहां पे लिखते हैं नॉर्थ, और ऐसे ही यहां पे जो है 23 वन बाय हाफ और यहां पे लिख देंगे साउथ, ओके जो आपके पास इक्वेटर से ऊपर वाला जो है उसे बोलते हैं आपके पास नॉर्थ रीजन, और इससे नीचे जो होता है उसे बोलते हैं साउथ रीजन, जो 23.5 नॉर्थ का रीजन है इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, है ना, देखा होगा आपने कि आपके पास यह 9 स्टेट से गुजरती भी है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है मुझे इतना नॉन टेक का नहीं पता, पर हम पढ़ते हैं 7 सिस्टर के नाम से, और ये जो आपके पास है 23 साउथ वाला इसे बोलते हैं आपके पास क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लियर। फिर इसके हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, इससे हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं यहां पर, ओके और चले जाते हैं आपके पास यहां पर, ये आपके पास है कितना होता है यहां पर इसका रीजन 66
66 1 by half south and 66 1 by half north. अब ऊपर वाले को बोला जाता है आपके पास क्या, आर्टिक सर्कल. इसे बोला जाता है आपके पास क्या, आर्टिक सर्कल. और ये जो आपके पास नीचे वाला है इसे बोला जाता है आपके पास क्या, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल. ओके. और आपको पता है ये कौन सा पोल हो गया, ये बेटा हो गया आपके पास नॉर्थ पोल. और ये आपके पास कौन सा पोल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा बेटा साउथ पोल. और आपको पता है ये अर्थ के टॉप एंड बॉटम पॉइंट है, पर जो आपके पास बरसात जो रहता है, जो सनलाइट आपके पास रहेगा, वो या तो यहां पर आएगा या घूमते हुए आपके पास यहां पर आएगा. ऊपर टॉप पर और बॉटम पे आपके पास सनलाइट तो आ ही नहीं पाता, इसलिए जो ये रीजन है, इसलिए बेटा ये वाला जो आपके पास रीजन है, ये वाला, ठीक है, और आपके पास ये वाला, ये बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है आपके पास क्या, फ्रिज. क्या बोला जाता है, फ्रिज जोन. बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ रहता है, आपने सुना होगा तो, ठीक है. बट हम जो आर्टिक सर्कल है ऊपर भी चल जाए तो बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को. क्लियर है. और जो यहाँ पे आपके पास जो लोकेशन है, ये बोलते हैं आपके पास ट्रॉपिकल जोन, और इसे बोला जाता है आपके पास क्या, सब ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, ये होता है ट्रॉपिकल जोन, ये होता है सब ट्रॉपिकल जोन. और जो इंडिया है, देखो मैं पहले ही कह रहा हूं हमारा ड्राइंग खराब है, जो आपके पास इंडिया है वो कुछ इस तरीके से लाई करता है, ऐसे, ये इंडिया है, ठीक है. तो इंडिया का आपके पास कुछ, देखो मैं पहले कह रहा था मैं डायग्राम खराब है, तो इंडिया का आपके पास लोकेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है. तो जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जिस कारण से आपके पास यहां पर क्या होता है, बफरिंग हो रहा है क्या. चलो मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, अब ओके है, अब क्लियर है क्या बेटा, अब क्लियर है. हाँ क्लियर है, अब तो क्लियर होगा, है ना. चलो अब हम वापिस बता रहे हैं, मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा था. ये हमारे पास अर्थ है, और जो हमारे पास ये जो रीजन है 0 से 23.5, ये होता है ट्रॉपिकल, और 23.5 से लेकर 66.5 तक होता है सब ट्रॉपिकल. तो बेटा आपके पास होता क्या है, हाँ मेरा इतना खराब ही है, ठीक है, इस कारण से मेंस में नंबर भी कम आते हैं, तो मैं बता देता हूं. तो इस रीजन्स के कारण से आपके पास क्या रह जाता है कि जो बरसात है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, बरसात पूरे साल भर नहीं होती, इसी कारण से हमें इरिगेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है. क्लियर बात है कि हमने यहां पे क्या लिखा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया. क्लियर है बात है बेटा, क्लियर है कि यहां पर रीजन क्या रहता है, ठीक है. अगर समझ नहीं आता तो बेटा इसको नोट करके ऐसे लिख लेना, यहां पर इसको नोट करके इस तरीके से लिख लेना, ठीक है. रेनफॉल, रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न इन दिस रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म. Hence, irrigation is required. जिस रीजन के अंदर आपके पास ये आता है बेटा, वहां पे रेनफॉल आपके पास कैसा है, नॉट यूनिफॉर्म है. कैसा है, नॉट यूनिफॉर्म है, इसी कारण से हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट पड़ती है. क्लियर है. हाँ बेटा डायग्राम बनाना है, ये रहा डायग्राम बनाओगे, बफरिंग हो रहा है बेटा, बफरिंग हो रहा है क्या, बताइए क्लियर बताइए कि बफरिंग हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना. हाँ हाँ बता देता हूं फिर आपको एक बार दोबारा. देखिए मैंने पहला जो रीजन बताया है कि हमें जरूरत क्यों है, तो वो आपके पास क्या है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया. ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया कैसा आपके पास है, कुछ इस तरीके से है. जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और इन रीजन्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो बरसात है वो पूरे साल भर नहीं होती,
वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होती है, जिसे बोला जाता है मानसून। इसी कारण से हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, रेनफॉल पैटर्न इन दिस रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म, हैंस इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर बात है, पहला पहला पॉइंट क्लियर है। हाँ, पोल पर फ्रीज होता है बेटा, जो पोल है, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये बिल्कुल बर्फ से जमे हुए रहते हैं और ढके हुए कह जाते हैं इनको, क्योंकि यहां पर आपके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से आपने सुना होगा ना कि 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं, वो कुछ यही रीजन के अंदर आती है, वो यही रीजन है आपके पास, क्योंकि यहां पर आपके पास सनलाइट आ नहीं पाती, जिस कारण से पूरा की पूरा बर्फ से जमा हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया आपने? हाँ तो बोल दो बेटा, मनो बेटा नोट करिए जल्दी। फिर ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। ओके बेटा, यील्डिंग का मतलब आपके पास क्या होता है? सिक्स पेज एक बार, ओके ये 7 है, बेटा बाद में, अब नेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। बेटा यील्डिंग का मतलब यहां पे, बेटा मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा तब भी, नहीं नहीं यील्डिंग का मतलब इफेक्टिव यूज नहीं होता। ठीक है, हाँ जो उपज रहती है, जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं, वो रहता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड बेटा, इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो कोई खेत है, अगर आपने वहां पे इरिगेशन किया है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन होने वाला है क्रॉप्स का, वो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा। बता देता हूं, देखो इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि आपके पास कोई फील्ड है, या आपके पास कोई फील्ड है, या आपके पास दूसरा फील्ड है, और ये आपके पास कोई तीसरा है। ओके, अब आपके पास यहां पे क्या है कि यहां पे आपने क्रॉप्स उगा दी, ये आपके पास क्रॉप्स है। ओके, ये आपके पास कोई क्रॉप्स उगा दी, यहां पे भी आपने उगा रहे हैं इस जगह पर, यहां पे भी आपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने यहां पर अगर इरिगेशन किया है, इफ इरिगेशन इज डन ऑन प्लॉट फर्स्ट, तो आपके पास ए जो आपके पास प्लॉट है, प्लॉट नंबर फर्स्ट, प्लॉट नंबर सेकेंड, प्लॉट नंबर थर्ड, तो बेटा जो आपके पास प्लॉट नंबर फर्स्ट है, जहां पे आपने इरिगेशन किया है, उसी का यील्डिंग मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉप्स है वो उगने के बाद पानी चाहिए, फिर उगने के बाद फिर पानी चाहिए, तो मतलब पानी जो चाहिए वो इरिगेशन के थ्रू एज पर रिक्वायरमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इन दो के अंदर हमारे पास जब पानी होगा हम तभी अप्लाई करेंगे। तो आपका जो प्रोडक्शन होने वाला है इन तीनों प्लॉट में से, सबसे ज्यादा किस में होगा? प्लॉट नंबर फर्स्ट में, क्योंकि आपने वहां पर क्या किया है? इरिगेशन। तो मतलब अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मतलब अगर आपको क्रॉप का यील्डिंग को इंक्रीज करना है, तो आपको किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा? किसका? इरिगेशन का। क्लियर बात है? तो पहला जो हमने पढ़ा है, पहला रीजन था ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि वहां रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होती, एंड दूसरा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे पास इरिगेशन का रिक्वायरमेंट
पड़ेगा। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट कि इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड का मतलब आपके पास क्या है? क्लियर है क्या? मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन प्लॉट नंबर फर्स्ट, क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया था? इरिगेशन किया था। नोट कर लीजिए इसको। नहीं, नहीं नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। देखिए यहां पे हमने क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? फर्स्ट पॉइंट था ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट था ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। हमारे पास जो क्रॉप्स है उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारे पास इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। क्लियर है? हमारे पास प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप्स के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है? इरिगेशन का। क्लियर है क्या? बैरोज नाम बता दो बेटा, पता नहीं फिर क्या पढ़ ले हम कभी। ठीक है, नोट कर लिया आपने बेटा? यही लिखना है आपको, सिर्फ यही लिखना है। और समझने के लिए आप बना सकते हैं, समझने के लिए आप बना सकते हैं आयुष। ओके बेटा, मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी, एक जगह पे पॉइंट आएगा जब एडवांटेज पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात करूंगा इस बारे में भी। ठीक है विवा बेटा, ज्योग्राफिक लोकेशन इंडिया में जरूरत पड़ता है, बता दीजिए कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में इरिगेशन जरूरत पड़ता है ये बता दीजिए बेटा। दोनों में ही, जो आपके पास ये है ना, ट्रॉपिकल, इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिकल, इन तीनों के अंदर इरिगेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, इक्वेटर पर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इन पर बेटा आपके पास जरूरत पड़ता है। ठीक है बेबा, चलिए सेकंड था इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, इस कारण से भी आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास होता क्या है, इसका मतलब क्या है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स का? सेकंड पॉइंट्स में क्या होगा, क्या होगा बेटा? यही लिखना है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, ये सेकंड पॉइंट है आपका। क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। हिमांशु बेटा हम ये पढ़ रहे हैं इरिगेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, तो पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड दूसरा आपके पास क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ओके, बेटा सब क्रॉप्स का अलग अलग टाइम होता है, और जो आपके पास पानी रहता है वो आपको पूरा बता दिया जाएगा सेकंड चैप्टर में, अभी मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको अगेन डिस्कस करना पड़ेगा। जो वाटर रहता है जिस टाइम पर हम अप्लाई करते हैं वो कहलाता है पूरा बेस पीरियड, और उसके बाद में जो वाटरिंग की जाती है वो आपके पास अलग अलग टाइम इंटरवल कहलाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो आपके पास निकाला जाता है क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको क्वेश्चन करके आपको बता दूंगा कि किस दिन निकालूंगा और कितना पानी निकालूंगा पूरा की पूरा। क्लियर है कुलदीप बेटा? बेटा कितना टाइम जो चाहिए, एक पानी चाहिए पूरा की पूरा, ये आपको पूरा की पूरा बता देंगे आपको। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम कल्टीवेशन, बेटा यही तो बता रहा हूं मैं, सब आपको बता दूंगा कहां पे, चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर, अब इंट्रोडक्शन है। यस बेटा, टोपोग्राफी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है, विंड वेलोसिटी इफेक्ट करता है, बहुत चीजें इफेक्ट करती है, नंबर्स ऑफ फैक्टर अफेक्ट करेगा यहां पर। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, ठीक है, अब इसकी बात करें बेटा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास किसका,
एग्जाम्पल मान के चलिए हमने वीट का ले लिया, ओके, गेहूं का हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, हम आपके पास गेहूं उगा रहे हैं, और ये जो बेटा आपके पास क्रॉप होती है ये कहलाती है रबी क्रॉप, ओके। कंफ्यूज मत होना, मैं अभी डिस्कस करूंगा खरीफ, रबी, पेरिनियल, जायद, पूरा की पूरा कॉमर्शियल क्रॉप सारे डिस्कस करेंगे। तो जो वीट है वो उसका आपके पास किस टाइम किस टाइप की क्रॉप है, रबी, ओके। अब आपके पास क्या होता है कि जो ये रबी वाली क्रॉप्स है इनका जनरली जो आपके पास सोविंग टाइम होता है, जनरली इनका जो आपके पास सोविंग टाइम होता है, सोविंग मतलब बेटा होता है उगाना, ओके, सोविंग मतलब उगाना, और ये आपके पास जो दूसरा एंड है इसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल का काटना, ओके, सोविंग मतलब फसल को उगाना, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना। जो सोविंग आपके पास की जाती है रबी क्रॉप्स की, ये की जाती है जनरली नवंबर में, और जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है बेटा वो जनरली की जाती है आपके पास कहां पर, मार्च में, आपने देखा भी होगा, नहीं तो इस टाइम पर जो गेहूं आ रहे हैं ना वो बिल्कुल नए गेहूं होंगे, याद रखना इस बात को। अब आपके पास क्या होता है, तो आप पानी यहां पे दे रहे हैं, कितना चाहिए, मान के चलिए कि 50 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे पहला पानी अप्लाई करेंगे, तो ये जो पहला पानी अप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाटरिंग। उगा दिया, उगने के बाद कुछ सेंटीमीटर हाई हो रही है, कुछ सेंटीमीटर आपके पास हाई हो रही है ये जो क्रॉप्स है, तो पहली वाटरिंग दे दी, ओके, फर्स्ट वाटरिंग। कुछ इंटरवेल के बाद में हमने यहां पर सेकंड वाटरिंग दे दी, सेकंड वाटरिंग दे दी मतलब सेकंड बार पानी अप्लाई कर दिया। फिर हमने कुछ टाइम के बाद में थर्ड वाटर अप्लाई कर दिया, थर्ड वाटरिंग अप्लाई कर दी, और उसके बाद में हमने फसल को काट दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी पानी चाहिए वो तो अलग अलग टाइम पे चाहिए, वो तो अलग अलग टाइम पे चाहिए, पर जो बरसात है वो तो आपके पास इस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगा भाई। जो बरसात है वो क्या इस टाइम के अकॉर्डिंग होती है क्या, नहीं, वो तो सिर्फ एक टाइम पर होगा, जून से अगस्त, पर बाकी के टाइम पर पानी चाहिए तो कहां से लाओगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो बेटा उसके लिए क्या चाहिए, इरिगेशन। क्लियर हुआ, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एज पर क्या, रेनफॉल नहीं होता, इसलिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, इरिगेशन का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा, इफिशियंसी बेटा वो चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ इफिशियंसी पढ़ने वाले हैं, कन्वेंस एप्लीकेशन एक तो पढ़ेंगे आपके पास, कन्वेंस, फिर एप्लीकेशन, फिर आपके पास एक क्रॉप्स रहेगा, फिर एक आपका टोटल मिला के पांच होती है, पांच या छह हैं, तो हम छह की छह डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है, नेचुरल रेनफॉल, नेचुरल रेनफॉल डज नॉट अकर अकॉर्डिंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ओके, क्लियर है। यहां पे क्या लिखा है, नेचुरल रेनफॉल डज नॉट अकर अकॉर्डिंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, रेनफॉल पानी जैसा हमें क्रॉप्स में चाहिए वैसा नहीं होता, इसलिए किसका जरूरत पड़ गया आपके पास, किसका, इरिगेशन का। बेस स्प्रेड इक्वल टू फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, बिल्कुल सही बेटा जितेंद्र, बेटा आपका एक नंबर कंफर्म हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, नोट कर लिया आपने पॉइंट नंबर थर्ड, हाँ तो बोल दो बेटा, नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए पॉइंट नंबर फोर ये कहलाता है ग्रोविंग पेरेनियल क्रॉप्स, ग्रोविंग पेरेनियल क्रॉप्स, ओके। कर लिया बेटा राहुल,
तारा चंद कुमावत, ठीक है, तारा सही है। ठीक है बेटा, तारा हो गया क्या नोट आप सभी का? चलिए देखिए, ग्रोविंग पेरिनियल क्रॉप्स। अब इससे पहले, इस पॉइंट से समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि पेरिनियल क्रॉप्स होता क्या है। वैसे हम एक अलग से एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां पे हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताएंगे आपको। देखो होता क्या है, ऐसा क्रॉप्स या ऐसी कोई भी फसल जिसको उगाने के लिए या जिसको उगाने का जो टाइमिंग है, जो अपने पास उगाने से काटने का जो टाइमिंग है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड, अगर वो 300 दिन से ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी फसल है जो उसका आपके पास क्रॉप पीरियड है वो अगर 300 दिन से ज्यादा है तो उसे बोला जाता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है बेटा साल भर। तो मतलब ऐसी क्रॉप जो पूरे साल भर चलने वाली है उन क्रॉप्स को बोला जाएगा आपके पास क्या, पेरेनियल। आपको पता है ये क्रॉप पूरे साल भर चलने वाली है तो आपको पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, पर पानी तो सिर्फ कब होगा, मानसून में, पूरे टाइम पूरे साल भर पानी चाहिए इसको। तो बेटा किसका रिक्वायरमेंट होगा, इरिगेशन का। तो अगर इरिगेशन है तो आप इस क्रॉप को भी उगा सकते हैं, इस क्रॉप को भी उगा सकते हैं। क्लियर है? हाँ, बारहमासी, बिल्कुल सही, इन्हीं को यही बोला जाता है, बारहमासी फसल बोला जाता है। तो याद रखना जो इसका आपके पास क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड है, अभी तो आप इतना याद रखो क्योंकि तो इसको डिस्कस करना है चैप्टर नंबर सेकंड में। क्रॉप पीरियड अगर किसी का 300 डेज से ज्यादा है, 300 दिन से ज्यादा है तो उसे बोला जाता है आपके पास पेरेनियल क्रॉप्स। क्लियर है? गन्ना, बिल्कुल सही एग्जाम्पल बेटा इसका, शुगर केन जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? हाँ तो बोल दो। कप बेटा बहुत है, मैं तभी मैं कह रहा हूं इसको, मैं जहां पे बताने वाला हूं वहां पे इसके एग्जाम्पल लिखवाएंगे आप सभी को, ठीक है? जैसे खरीफ हो गया तो खरीफ के अंदर जितनी भी आती हैं 7-8 वो सारी बता देंगे, रबी के अंदर जितनी आती है वो सारी, कॉमर्शियल जो आती है वो सारी, पेनियल वो जो है सभी, जायड जो होती है वो भी सभी वहीं पे बताएंगे, ठीक है? ऐसे अलग अलग जगह पे बताएंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे आप। चलिए ठीक है, फिफ्थ ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप्स, मोर देन वन क्रॉप्स इन ए ईयर। ओके, मोर देन वन क्रॉप्स। देखिए मैं इसको बता देता हूं, अब आप एक से ज्यादा फसल को भी उगा सकते हैं एक साल में ही। अब आप एक 300 डेज लिखा है क्या सर? हाँ बेटा, ये 300 डेज लिखे हैं मैंने यहां पर, ठीक है मानसू बेटा, कृष्णा, ठीक है। ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप इन ईयर मतलब अब आप खेत में एक से ज्यादा फसल भी उगा सकते हैं, जैसे हाँ मिक्स क्रॉपिंग। तो देखिए होता क्या है, अब मैं बता देता हूं, साइड में बताता हूं समझाने के लिए है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास फील्ड है कोई बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करा, इस पूरे खेत को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, पहले के टाइम पर और अभी के टाइम पर बता देता हूं क्या होता था। यहां पे आपने उगा दिया क्रॉप नंबर फर्स्ट, यहां पे आपने उगा दिया क्रॉप नंबर सेकंड, और यहां पे आपने उगा दिया क्रॉप नंबर थर्ड। क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? क्रॉप फर्स्ट, क्रॉप सेकंड, क्रॉप थर्ड, ठीक है। अब आपके पास क्या है, तो बेटा जो आपके पास क्रॉप नंबर फर्स्ट है इसको आपके पास जो पानी चाहिए वो चाहिए कम, नीड लेस वाटर फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब उगाने से लेकर काटने तक का जो भी टाइम है, ठीक है, जुताई जिसे हम कहते हैं। तो इसको कम पानी चाहिए कल्टीवेशन के लिए, इसको हम कह देते हैं, इसको ज्यादा पानी चाहिए, नीड मोर वाटर, नीड मोर वाटर फॉर कल्टीवेशन, और इसको हम बोल देते हैं मीडियम रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन। अब आपके पास देखो पहले क्या होती थी, ठीक है, आप देखो आपके पास क्या होता था पहले। पहले के टाइम पर हमारे पास कोई इरिगेशन नाम का कोई चीज नहीं था,
अब वो लोग क्या कर देते हैं, ये इस एक ही खेत में तीन फसल उगा दिए, भाई तीनों फसल को बनाने का जो जुताई होती है वो अलग अलग होगा, भाई तीनों जो क्रॉप उगानी है उसके लिए जो खेत को जुताई करना होगा जिसे हम कल्टीवेशन बोलते हैं, उन तीनों के मेथड डिफरेंट होंगे, जरूर होंगे। तीनों क्रॉप्स को उगाने के लिए जो पानी चाहिए वो भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, पहले के लिए कम, उसके लिए ज्यादा, थर्ड के लिए उससे भी ज्यादा। अब आपके पास क्या होता है कि बरसात अगर ज्यादा होती है, पहले के टाइम पर अगर बरसात ज्यादा होती है तो बेटा ये उगेगा और ये दोनों नहीं उगेंगे। अगर बेटा बरसात कम होती है, जैसे जो और बाजरा जो रहता है, तो ये उगेगा और ये दोनों नहीं होंगे। और बरसात मतलब ना तो ज्यादा हुई ना कम हुई, मॉडरेट हो गई, तो ये वाला उगेगा तो ना कम उगेगा ना ज्यादा वाला उगेगा। क्लियर? क्या क्लियर ना? तो अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास इरिगेशन वाला मेथड है, पानी आप एज पर रिक्वायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे कम वाटर, इसको अप्लाई करेंगे इससे ज्यादा, और इसमें अप्लाई करेंगे इससे भी ज्यादा, तो मतलब अब आप एक ही टाइम पर तीनों फसल को उगा सकते हैं। बात क्लियर हुआ? तो मतलब इरिगेशन का हेल्प से हम एक ही टाइम पर मोर देन वन फसल को, एक ही क्रॉप को एक ही टाइम पर हम उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ बेटा? कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई करना, मतलब पहले जो आपके पास क्रॉप्स होती है, जो आपके पास बीज होते हैं, उससे पहले उस जो आपके पास जमीन है उसको सॉफ्ट बनाया जाता है उस, हाँ मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं बेटा इसको, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। बिल्कुल सही सुधीर बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं इसको। हाँ स्टार्टिंग टू एंड। क्लियर है क्या? ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर है आप सभी को? सिक्स्थ, इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट एंड फेमाइन। ड्रॉट एंड फेमाइन, ड्रॉट का मतलब होता है बेटा सूखा, ठीक है, और फेमाइन का मतलब बेटा आपके पास क्या होता है, अकाल। मतलब पहले के टाइम पर क्या होता था कि अगर बरसात रेनफॉल अगर बरसात अगर सफिशिएंट नहीं होती थी तो बेटा वहां पर अकाल और सूखे की प्रॉब्लम आने लगती थी। बट आज के टाइम पर जब हम इरिगेशन हो सकता है, मतलब अगर बरसात नहीं होता तो हम वहां पे इरिगेशन की हेल्प से पानी को खेत में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्रॉप्स आसानी से उग जाएगी और हमारा जो खर्चा पानी है वो आराम से चलता रहेगा। तो मतलब एक हमें सेफ्टी मिल चुकी है, एक हमें सेफ्टी मिल चुकी है इरिगेशन से। तो मतलब अगर मुझे सूखा और अकाल से सेफ्टी चाहिए तो बेटा मुझे इसके लिए भी इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हो गया? तो आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा इसकी नेसेसिटी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो आपके पास नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन को फुलफिल नहीं करता। तो बेटा ये छह ऑप्शन में से कोई भी तीन ऑप्शन आ जाएंगे और एक चौथा ऑप्शन होगा जो इसके अपोजिट होगा, तो आपको उसको क्लिक करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और एक बार क्वेश्चन कैसे आ गया था, पूछ लिया कि कौन कौन से आपके पास नेसेसिटी है इरिगेशन के लिए, तो इनमें से कोई से भी तीन आए थे और चौथा ऑप्शन था ऑल द अबव, तो डी करके आपको आ जाना था वहां पर। क्लियर है क्या? क्लियर है आपको कि यहां पर क्या करना है? तो ये आपके पास छह हैं, याद रखना, बता देता हूं अगेन आपके पास छह कौन कौन से हैं। पहला था ज्योग्राफिकल लोकेशन, इस कारण से यहां पर बरसात रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं हो पाती इसलिए इरिगेशन का जरूरत है। क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो भी मुझे वापिस मुझे इरिगेशन का जरूरत पड़ेगा। तीसरा, पानी का जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स का वो अलग अलग टाइम पर होता है पर रेनफॉल उसके अकॉर्डिंग नहीं होती इसलिए बरसात मुझे मुझे इसलिए इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। चौथा क्या कहते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स को उगाना, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिसका क्रॉप पीरियड आपके पास 300 दिन से ज्यादा होगा ऐसी क्रॉप कहलाती है पेरेनियल क्रॉप। बरसात पूरे साल भर नहीं होता पर इस क्रॉप्स को उगाने के लिए पूरे साल भर पानी चाहिए तो वो किसकी हेल्प से कंप्लीट हो पाएगा, इरिगेशन।
पांचवा है ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप, मतलब अब मुझे एक से ज्यादा क्रॉप उगानी है जिसका वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो इरिगेशन की हेल्प से फुलफिल हो सकता है। तो पांचवा भी कंप्लीट हो गया। छठा, अगर अकाल और सूखे से हमें सेफ्टी चाहिए तो मुझे किसको यूज करना पड़ेगा? इरिगेशन को, क्योंकि ये दोनों तभी होंगे जब बरसात सफिशेंट नहीं होता। हाँ तो बोल दो, हाँ बोल दो कि बेटा तुम समझ गए, बेटा बोल दो ना कि तुम समझ गए, फिर हम आगे बढ़े। हाँ मनोज बेटा तुम तो बोल ही देते हो, मैं तो बाकी की बात कर रहा था। क्लियर है? चले आगे चले। चलिए अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास हम जो डिस्कस कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है क्या? एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब आप एक दो एडवांटेज तो खुद आप बता ही दोगे जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे नेसेसिटी से निकल के आ जाएंगे। तो अब जो तीसरा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो क्या कहलाएगा? एडवांटेज, मतलब मुझे इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही, सही पकड़े हो बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, तो पहला ही जो वेबअप ने बताया है वो ही लिख देते हैं, ऑप्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड, ऑप्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। मैंने आपको कहा था कि मैं यील्डिंग को लेकर और वाटर को लेकर डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं बात करता हूं यील्डिंग क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यील्डिंग आपके पास होती क्या है। तो अगर आपसे यील्डिंग पूछ लिया जाए तो बेटा यील्डिंग का मतलब आपके पास क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्शन कितना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कितना हुआ और नीचे एरिया, मतलब ये क्या हुआ सर? बेटा होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट नंबर कितना है? फर्स्ट। ये बेटा प्लॉट नंबर कितना है? ये सेकंड है। ये प्लॉट नंबर बेटा कितना है? यहां पे थर्ड है। ओके, अब आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आपने कुछ फसल उगा दी, मतलब कि कुछ जो क्रॉप्स है वो आपने यहां पे क्या कर दी? सोविंग कर दी। ये आपके पास उग रही है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने पता है क्या किया था? हाँ, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सही, ये आपके पास यील्डिंग है। अब आपके पास बेटा होता क्या है, यहां पर आपने यहां पे भी पानी दिया, यहां से मान के चलो आपने पानी दिया DA1, ओके, आपने यहां से भी पानी दिया, कितना पानी दिया? DA2 मान लो, और आपने यहां से भी पानी दिया, कितना दिया? DA3 दिया। ओके, सुनना अच्छे से, बात सुनना, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं बेटा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। तीन आपके पास फील्ड है, आपने तीनों के अंदर पानी अप्लाई किया। अब मुझे इन तीनों को जब हार्वेस्टिंग होता है तब मैंने देखा कि प्रोडक्शन कहां से ज्यादा हुआ। मैंने इन तीनों खेत को एनालिसिस किया और मैंने देखा कि प्रोडक्शन कहां से ज्यादा हुआ, तो मुझे ये मिला कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हुआ, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्लॉट थर्ड। ओके, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वो किस प्लॉट का हो रहा है? थर्ड नंबर का। और इस थर्ड नंबर प्लॉट के अंदर बेटा पानी कितना दिया आपने? बेटा थर्ड नंबर प्लॉट में पानी कितना दिया है? DA3 आपने पानी दिया क्या? DA3 आपने पानी दिया ना। तो अब आपके पास यहां पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम जब अगले साल आप पानी दोगे ना, जब आप अगले साल पानी दोगे, ठीक है, ठीक है, सपोज प्लॉट नंबर, प्लॉट सपोज प्लॉट नंबर थर्ड यील्ड ऑब्टेन, यील्ड ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज मैक्सिमम,
दिस इज मैक्सिमम, तो आपके पास क्या हो जाता है, नोट नंबर टू, हैंस डी ए थ्री वाटर इज नॉन एज ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, आपने ना एक चीज पढ़ा होगा सोइल के अंदर, अगर आपका सोइल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कंपैक्शन जब हम करते हैं तो एक वाटर कंटेन होता है जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, और उस वाटर कंटेन को बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन। आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, याद है आप सभी को? नहीं बेटा लिखवाएंगे, तारचंद बेटा आपको मैं लिखने दूंगा इस चीज को, एक बार आप समझ जाइए क्योंकि जरूरी है ना। तो जहां पर कंपैक्शन करते हैं वहां पे कंपैक्शन पे एक वाटर कंटेन, जिस वाटर कंटेन पे मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, और उस मॉइस्चर कंटेन पे डेंसिटी क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम। सेम कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है, बट गलती मत करना। अब आपके पास जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर है, जहां पे आपके पास जो यील्डिंग है, जहां पे आपके पास यील्डिंग है वो आपको क्या देने वाला है, मैक्सिमम। तो अब आपके पास क्या होता है, अब आपके पास क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर और आपके पास यहां पे यील्डिंग को लेकर, डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर के साथ में यील्डिंग को लेकर एक ग्राफ बनाया जाता है, जो कि बेटा आपका कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और ये जो आपके पास डेप्थ ऑफ वाटर है, जहां पे आपके पास क्या मिलती है, मैक्सिमम यील्ड मिलती है उस वाटर कंटेन को यहां पे क्या बोलते हैं, OMC, मतलब क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन। तो बेटा याद रखना, अगर वो इरिगेशन की पूछ रहा है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन हमें किस चीज के बारे में बताता है, वो मॉइस्चर कंटेन जहां पे यील्डिंग आपके पास क्या होने वाली है, मैक्सिमम। बट सोइल के अंदर जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन है वो वाटर कंटेन होगा जहां पे सोइल के अंदर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेटा दोनों को रिलेट मत करना, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसको समझना कि वो सोइल से रिलेटेड है या इरिगेशन से, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो सकता है। अब आपके पास रिजल्ट क्या निकला कि भाई जो ओएमसी है वो कौन सा पानी है, डीए3 वाला। तो जब नेक्स्ट टाइम जब तुम पानी दोगे तो इन तीनों फील्ड में ही पानी कौन सा दोगे। अब देखो, हमने पहले यहां पानी अलग दिया और मुझे पता चला यहां से क्रॉप मैक्सिमम मिलती है, और इस पानी को मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, क्योंकि मुझे यहां पे यील्डिंग क्या मिला, मैक्सिमम। तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि अगले साल जो मैं पानी दूंगा वो इन तीनों फील्ड के अंदर ही कौन सा दूंगा, डीए3। जो नेक्स्ट ईयर में पानी देने वाला हूं इस फील्ड के अंदर वो कौन सा दूंगा, डीए3। पर जब अगले साल आप इरिगेशन करोगे ना, आप तीनों के अंदर पानी डीए3 डालना, मैक्सिमम क्रॉप आपको तीनों से मिलेगा ना कि एक से। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाह रहा था यहां पर आपसे, हमें यहां से इरिगेशन के थ्रू क्या मिलने वाला है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, और वहां पर ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग यहां से। पहले हमें एडवांटेज क्या है, यील्डिंग क्या मिलती है, मैक्सिमम। यील्डिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है, यील्डिंग कहलाता है। ये नोट कर लिया आप सभी ने यहां तक, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, हाँ पहले नोट कर लो यहां तक। चलिए अब ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसे हम बेटा क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये आप लोग करते हैं वहां पर, फील्ड एक्सपेरिमेंट,
बना लिए ये। दिलीप बेटा बना लो फिर, तुम्हारे लिए ही तो है, आराम से बना लो अच्छे अच्छे डिजाइन करके। चलिए अब हमें यहां से जो वाटर कंटेंट मिल रहा है, वो वाटर कंटेंट जहां पे यील्डिंग क्या होगी मैक्सिमम, उस वाटर कंटेंट को यहां पर क्या कहा जाता है बेटा, जहां पे यील्डिंग मैक्सिमम होगी उस वाटर कंटेंट को क्या कहा जाता है इरिगेशन में, बताओ? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड फर्मेंट कंडीशन, बिल्कुल सही जितेश बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला। नोट कर लिया, बैक करना है। ठीक है धर्मेंद्र बेटा, नोट कर लिया आप सभी ने? रुके, तुम्हारे लिए तो रुके हुए हैं बेटा, आराम से नोट करो आप लोग। बैक स्लाइड, 100 तो नहीं जाते तुम लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि देव दिख अभी पढ़ते पढ़ते तुम कहीं 100 ना जाओ, खास का डर लगता है देवकरण का। 10 दिन से फोन आ रहा है सर, नींद आ रही है, टाइम चेंज करवा दो। आयुष बेटा क्या बना रहे हो? चलो सही है, ब्लैक टी पिया करो बेटा, नींद ही नहीं आएगी, रात को भी उठे रहोगे, उल्लू की तरह जागते रहोगे और पढ़ते रहोगे। ठीक है चलिए, सेकंड आपके पास जो इसका एडवांटेज है वो आपके पास क्या है, इंक्रीज दी रिवेन्यू जनरेशन। ओके बेटा, अगर आपके पास इरिगेशन, ठीक है, अगर आपके पास इरिगेशन अगर हम करते हैं तो जो आपके पास रिवेन्यू है बेटा वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है? हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन वो आपके पास क्या होती है, इंप्रूव होती है। क्लियर है क्या? इसकी हेल्प से जो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमारे पास क्या होती है, इंप्रूव होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज द रेवेन्यू जनरेशन। क्लियर है आप सभी को ये पॉइंट? बेटा दोनों बता देंगे क्लास जाने से पहले, कुलदीप बेटा दोनों ही बता देंगे आपको। चलिए तीसरे की अगर हम बात करें, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। अब हम मिक्स क्रॉपिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अब हम मिक्स क्रॉपिंग को अवॉइड कर सकते हैं।
पहले हमने कहा था कि एक क्रॉप से ज्यादा उगा सकते हैं, अब मैं उसके एडवांटेज बता रहा हूं, मतलब कि आपके उसके एडवांटेज बता रहे हैं कि कर सकते हैं बट उसको बेटा करना नहीं चाहिए, उसको कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए। अब देखो होता क्या है, आपको मैंने बताया था पहला कंडीशन कि मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा कि एक ही साथ पर खेत पर अलग अलग तरीके से कल्टीवेशन करना पड़ेगा, मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ खेत रहेगा मतलब कि फील्ड रहेगा वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा, दोनों के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। अब आपके पास जब लास्ट में उसका जब हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब जब काटते हैं तो बेटा वो मिक्स हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो उसका जो रिजल्ट बनता है ना तो उन दोनों का जो प्रोडक्शन होगा वो टोटल वाले से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो मिक्स हो जाती है, जिस कारण से ओवरऑल जो उसका हम कॉस्ट देखते हैं तो हमें कम मिलता है। इस कारण से जो मिक्स क्रॉपिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? पर हम कर सकते हैं, नेसेसिटी हमने बताया कि हम कर सकते हैं, पहले के टाइम पर बताया कि की जाती थी और अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब यहां पर मिक्स क्रॉपिंग दो बार आ चुका है तो आप इसको लिख लीजिए कि मिक्स क्रॉपिंग होती क्या है, आप अब इसको लिख लीजिए कि मिक्स क्रॉपिंग होती क्या है, क्योंकि अब ये दो बार आ चुका है आपके पास, इसको अब लिख लो। हाँ, होता क्या है कि जब काटते हैं ना दोनों फील्ड को तो मिक्स हो जाती है क्रॉप, जिस कारण से उसका जो कॉस्ट होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि दूसरा क्या कहता है कि मुझे ये लेना था बट इसमें तो कुछ अलग है तो मुझे इसको सफाई करवाने का भी खर्चा देना पड़ेगा, तो इसमें मेहनत कौन करेगा, मैं 100 रुपए ज्यादा देकर कोई नॉर्मल लेंगे ना उसमें मिक्सिंग वाला क्यों लेंगे। इस कारण से जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो दोनों में मिक्स हो जाती है। बेटा हार्वेस्टिंग तो एक टाइम पे काटोगे ना, काटोगे तो उसको एक टाइम पर ही मिक्सिंग हो जाती है। कभी देखना आपने कहीं साइड पर अगर देखा हो तो लिखिए मिक्स क्रॉपिंग के अंदर, इट मींस दैट, इट मींस दैट ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स at same time in same field. बेटा देखो होता क्या है कि इनमें जो आप बता रहे हैं उनमें टाइम कम लगेगा पर जो एनवायरमेंट कंडीशन होती है जिस कारण से वो बढ़ जाती है, ठीक है? क्या होता है कि जिस एनवायरमेंट में इसको उगाते हैं, जैसे कि मान लो कि वीट आपके पास सर्दियों में उगती है तो अगर आप इसको गर्मी में उगाना चाहोगे तो नहीं उगेगा। क्यों? सराउंडिंग का कंडीशन। देखो पानी तो तुम अपने अप्लाई कर सकते हो, पानी तो मेडिकेशन सप्लाई कर दोगे, बट वीट के लिए जो गेहूं है उसके लिए जो सराउंडिंग का जो आपके पास एटमोसफियर है बेटा थोड़ा ठंडा चाहिए, बट गर्मी में वो नहीं मिल पाएगा। बेटर से आप पानी अप्लाई कर देना, वो तो भी आपको प्रोडक्शन बेटर नहीं मिलेगा, ठीक है? इरिगेशन से मिक्सिंग एलिमिनेट कैसे होगा? बेटा अब आपको क्या है कि जो भी क्रॉप्स उगाना है ना वो आप नहीं उगाओगे। पहले के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या कहा था कि पहले जब इरिगेशन नहीं था तो एक खेत के अंदर नंबर ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती थी, बरसात होता था तो या तो ये मिलती थी या ये मिलती थी। पहले के टाइम पे मिक्स क्रॉपिंग ही की जाती थी आपके पास जब इरिगेशन नहीं होता था, क्योंकि अब पहले वाला मिलेगा बरसात कम हुआ, मीडियम होता दूसरा वाला, बरसात होता तीसरे वाला। पर अब हम आपके पास क्या करेंगे कि जो पानी चाहिए, जितना पानी चाहिए किसी क्रॉप्स के लिए वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, तो मुझे अलग अलग क्रॉप्स नहीं उगाना, मुझे सिर्फ एक ही क्रॉप्स उगाना है जिसको मुझे उगाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बेटा वैभव? ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने यहां तक, क्योंकि अब इसको हटाना है यहां से बेटा। क्लियर है? हटा दे क्या आप सभी यहां से? वापिस नहीं आएगा, बाद में मत कहना। चलिए
ठीक है। तीसरा, इंप्रूविंग इनलैंड नेविगेशन। बेटा एक बार इसको समझना, ठीक है, एक बार इसको समझना, इनलैंड नेविगेशन होता क्या है। लास्ट टाइम 2020 वाला पेपर था, उसमें से नोट्स में से ही क्या पूछ लिया, मतलब कि पूछा गया नॉन टेक का पार्ट, बट था कहां से, हमारे इरिगेशन से। देखना क्या बताया गया था यहां पर, लास्ट बात, लास्ट वर्क क्या बताया था क्लास में, ये देखिए। इनलैंड नेविगेशन आपके पास क्या होता है, मैं पहले वो बता देता हूं आपको। इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर आपके पास जो शिप चलती है, जिससे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, उसे बोलते हैं इनलैंड नेविगेशन। अब होता क्या है कि इरिगेशन करने के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा, डैम के अंदर पानी स्टोरेज करेंगे, वहां से पानी को डाइवर्ट करेंगे मेन केनाल में। भाई रिवर से पानी डायरेक्टली नहीं किया जाता, रिवर से डाइवर्ट करेंगे मेन केनाल में, मेन से करेंगे ब्रांच में, ब्रांच से मेजर और फिर मेजर से माइनर। इस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, फील्ड पर आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे पानी का स्टोरेज होगा, उस पानी के अंदर हम शिप चला के जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर के थ्रू, वो भी तो हम कर सकते हैं। तो मतलब इरिगेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे हमारा जो इनलैंड नेविगेशन का जो पर्पस है वो इंप्रूव होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्लियर ना? ठीक है, हाँ फोर्थ है, ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा फोर्थ है ये, पहला था आपके पास कि क्रॉप को यील्डिंग ज्यादा करना, चौथा था रिवेन्यू, एंड तीसरा था मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट करना। ओके, अब देखिए हमने यहां पे क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम। यहां पर आपके पास अगर इंडिया देखे तो इंडिया का ना ये वाला पोर्शन देखो, साउथ वाला, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, यहां पर कुछ एग्जाम्पल बताए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। एक होता है आपके पास फर्स्ट वाटरवे, जिसे हम बोलते हैं एनएच वाटरवे, ठीक है, एनडब्ल्यू नेशनल वाटरवे, उसे बोलते हैं फर्स्ट वाटरवे। ये बेटा कहां से कहां तक होता है, ये पहला जो आपके पास फर्स्ट वाटरवे बना हुआ है इनलैंड नेविगेशन पर्पस से, ये बना हुआ है आपके पास कहां से, इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया। अब इलाहाबाद नहीं पाएगा, वहां पे क्या लिखा पाएगा, प्रयागराज, ठीक है, क्या पाया जाएगा, प्रयागराज वहां पे पाया जाएगा। जो सेकंड वाला है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड एनडब्ल्यू, मतलब सेकंड वाटरवे, जो आपके पास बेटा कहां पर है, सेकंड वाटरवे आपके पास है असम के अंदर, क्या पे है, असम के अंदर है, ठीक है, डिगबोई जगह पे है वहां पर। बेटा वो बनाएंगे अभी, जो वाटर डाइवर्जन का डायग्राम है वो बनाएंगे अभी, अभी थोड़ी देर, जस्ट इसे नेक्स्ट पॉइंट में ही बताना है मुझे, तुम्हारी कसम जो बता रहा हूं ना वो सब लिखवाया जाएगा, पर उसको पर्टिकुलर उसी जगह पे लिखवाया जाएगा, बस बात ये है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास थर्ड, ठीक है, ठीक है, फिर तीसरा है आपके पास इस जगह पर, यहां पर जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये किसका है, केरला का, इस जगह पर है। थर्ड आपके पास कहां पे है, ठीक है, केरला रीजन के अंदर, इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द स्टेट ऑफ केरला। और एक आपके पास फोर्थ, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कहां से है, यहां से यहां पर, इस जगह पर, यहां पे आता है आपके पास उड़ीसा, और यहां पे आपके पास क्या आता है, आंध्र प्रदेश। तो ये जो फोर्थ नेशनल हाईवे है, फोर्थ नेशनल वाटरवे है, वो आपके पास कहां पर है, ये आपके पास है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये वाला। और ये चौथा वाला पूछा था, चौथा वाला पूछा था कि जो फोर्थ वाटरवे है वो किन दो स्टेट के बीच में है, उड़ीसा एंड आपके पास आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है क्या बेटा,
ये चारों बना लो। हाँ देवकरण बेटा, ठीक कर लेना उसको। ठीक है, इनलैंड नेविगेशन को इम्प्रूव करता है, ये एडवांटेज है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनेंगे और उन स्ट्रक्चर बनेंगे तो पानी स्टोर करा जाएगा, और उस स्टोरेज वाटर के अंदर शिप चला के हम अपने इनलैंड नेविगेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला जो आपके पास है वो इस तरीके से आता हुआ है इलाहाबाद से हल्दिया, तीसरा कहीं असम के अंदर है यहाँ पर, तीसरा आपके पास है वेस्टर्न घाट कहाँ पर, केरला के अंदर, और जो चौथा है वो कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों के बीच में, जो कहां से है, ओडिशा से आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आप क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूं बेटा। पांचवा, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। आप क्या है? अच्छा एपी क्या? आंध्र प्रदेश बेटा। नाम क्या है? पगलेशा बेटा। नाम क्या है आपका? पीके अगले सर, क्या नाम है बेटा? नाम तो बता दो। पीके। चलिए जो भी है, नाम हो आपका, नाम वैसे बता दिया करो, जो जैसे एलके का मैंने पहले नाम पूछ लिया था, क्योंकि एलके एलके कहते पता नहीं चलता, तो आप भी अपना नाम बता देना नेक्स्ट टाइम जो हो तो हम बार नाम से बात कर सके। तो मैं आपसे क्या कहता कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई मतलब होगा क्या, अब आप ठीक है, जब पानी को डाइवर्ट करेंगे रिवर से, मेजर मेजर से, माइनर माइनर से, आपके पास डाइवर्ट करते हुए कहां पे लेके जाएंगे हम, फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो जो पानी डाइवर्ट कर रहे हैं जहां पे हमें अच्छा सोर्स मिलेगा वाटर का, उस पानी को हम किस पर्पज से यूज में ले सकते हैं, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी यूज ले सकते हैं, मतलब हमारे इस इरिगेशन वाटर को हम अपने डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इमानशु बेटा तुम्हारा नाम तो पता है। अब जो आप नेटवर्क की बात कर रहे थे, मैं आपको बना देता हूं अभी यहां पर, कैनाल इरिगेशन नेटवर्क, कैनाल इरिगेशन नेटवर्क कैसा होता है नेटवर्क, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अच्छे से बनाना जो आप समझ सको, क्योंकि बार बार आपके पास आएगा फिर खुद ही बनाना है आपको। मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि लेंथी रहेगा। यहां से देखो, यहां पहले हम देखते हैं कोई रिवर जा रहा है, ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, कोई रिवर जा रहा है और पानी बहुत बल्क में है इसमें, तो हमने यहां पे कोई डायवर्जन वर्क बना दिया, हमने यहां पे कोई डायवर्जन वर्क बना दिया, जो स्मॉल डायवर्जन वर्क होता है उसे बोला जाता है रिवर एंड बराज, और जो बड़ा रहता है उसे बोलते हैं डैम। फिफ्थ पॉइंट में क्या है सर? ये इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। बेटा दिलीप, हम इसमें ये कह रहे थे कि जो आपके पास ये पांचवा पॉइंट है, आप जो इरिगेशन पानी यूज में लोगे, जो रिवर से आपके पास डाइवर्ट होके कहां पे जा रहा है, कैनाल वो फील्ड में, तो कह रहे बीच में से ही इसको हम कहीं पर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पर्पस से भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? यही लिखना है, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई को भी यहां पे पानी सप्लाई पर्पस से भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, न्यू टॉपिक नहीं है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, एडवांटेज चल रहा है, एडवांटेज का पांचवा पॉइंट है ये, एडवांटेज का पांचवा पॉइंट है। ठीक है, चलिए, जो मैं क्या कह रहा था कि रिवर यहां से जा रहा है, रिवर में हम डायवर्जन वर्क लगा के पानी को क्या कर दिए, डायवर्ट। अब यहां से पानी को जब हम डायवर्ट करें इस जगह पर, तो ये आपके पास जो जगह है डायवर्ट करने के बाद में, ठीक है, यहां पर भी आपके पास वर्क होता है जिसे बोला जाता है कैनाल रेगुलेशन वर्क, क्योंकि तो यहां से कैनाल स्टार्ट हो जाती है, ये रिवर है, ओके, पानी इस तरीके से फॉलो कर रहा है। अब आपके पास यहां पर क्या है, ये आपके पास क्या हो गई, मेन कैनाल।
क्या हो गई, मेन कैनाल, ये आगे जा रही है, पर हमने इसको यहां पे मोड़ दिया, हमने इसको यहां पे मोड़ दिया। ब्रांच देखो, रिवर्स जो निकलता है वो क्या है, मेन, मेन से जो निकलेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्रांच कैनाल, क्या कहलाएगा, ब्रांच कैनाल। अब ब्रांच कैनाल आगे जा रही है, बट हमने क्या करा, उसमें डाइवर्ट कर दिया, उसमें डाइवर्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ब्रांच से जो डाइवर्ट होता है इसे बोला जाता है आपके पास क्या, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, क्या कहा जाता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। अब मेजर से हमने क्या करा, मेजर से हमने डाइवर्ट कर दिया, मेजर से जो डाइवर्ट करेंगे ये वाला, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर है यहां तक? पहले रिवर से जो डाइवर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेन कैनाल, मेन कैनाल से जो डाइवर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच, ब्रांच से जो डाइवर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर, और मेजर से डाइवर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर है? ये चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, बिल्कुल सही, जब मैं कैनाल को डिस्कस करूंगा, ठीक है, कैनाल को डिस्कस करूंगा उसमें भी आएगा, बट अभी जरूरी है क्योंकि 2-3 जगह पर आने वाला है, आपको फिर लगता कि कुछ बता नहीं रहे, तो मैंने आपको यहां पे डिस्कशन में कर दिया, ठीक है बेटा। माइनर तक क्लियर है? बेटा मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये जो कैनाल नेटवर्क है, इसको चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा, और बाकी मैं कंप्लीट पढ़ाता हुआ चल रहा हूं आपको, बाकी मैं कंप्लीट पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। ये वाला टॉपिक पूरा की पूरा, मेजर कैनाल क्या होती है, कितना डिस्चार्ज होता है, किस पर्पज से यूज में लेते हैं, ये सब चीज मैं चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को, ये जो कैनाल नेटवर्क है। क्लियर है बेटा कुलदीप? चलिए यहां तक बना लो। हाँ बेटा, 5th पॉइंट में ही है, देखो मैंने क्या कहा है, इंप्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, फिर मैं बता रहा हूं कैनाल इरिगेशन नेटवर्क क्या होता है, तो ये आप बना लो यहां से, और जो आपके पास डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है वो यहां से मोड़ दी जाती है, मेन कैनाल जो होती है वहां से यूज में ली जाती है, कहां पे, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इसको डाइवर्ट करके यहां पे मोड़ देंगे। क्लियर है आप सभी को? ये जगह छोड़ना, माइनर के बाद एक डाइवर्ट और करना है मुझे, ठीक है, जैसे कि माइनर जा रहा है, माइनर को भी डाइवर्ट करेंगे, ये माइनर जा रहा है, ये माइनर है, माइनर को डाइवर्ट करेंगे कहां पर, इस फील्ड पर, माइनर को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है कहां पर, फील्ड पर। हाँ तो बेटा जगह मैं तभी तो कहता आपको पूरा ढंग से बनाओ अच्छे से, कोई बात नहीं, माइनर करके आगे दिखा देना उसको, क्योंकि डायग्राम 2-3 जगह पर आएगा दिनेश बेटा, 2-3 जगह पे आएगा, टेंशन मत लीजिए इसको, ठीक है, बार बार बनाना है डायग्राम, कम से कम 4-5 जब तक खत्म होगा, मान के चलो कि कम से कम 8-10 बार बना चुके होंगे तुम, ठीक है। चलो बना लिया क्या? हाँ मनमोहन बेटा बताओ। हाँ मनमोहन बेटा बोलो तो सही, तुम्हारी भी सुन लेंगे, डोमेस्टिक रिपीट कर दीजिए बेटा। डोमेस्टिक का मतलब आपके पास होता है कि जो आपके पास घरों में पानी आता है, वो पानी जो आपके पास लिया जा रहा है वो एज अ सोर्स यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, मतलब ये जो मेन कैनाल का पानी है या फिर ब्रांच का जो पानी होगा उसको यहाँ से डाइवर्ट करके किस पानी में यूज कर लोगे, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, या फिर आपके पास ब्रांच में डाइवर्ट करके कहाँ पे ले जाओगे, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, तो मतलब आप इसको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पर्पज से भी यूज में ले सकते हैं।
जो हमारे पास इरिगेशन पर्पज से जो नेटवर्क बनता है उसको आप डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज में ले सकते हो। क्लियर हो गया बेटा मनमोहन? क्लियर हो गया क्या बेटा? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हमने एडवांटेज पढ़े तो नो डाउट उसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होंगे, तो एडवांटेज आपको क्लियर हो चुके होंगे। जैसे पहला क्रॉप यील्डिंग मैक्सिमम के लिए, दूसरा मिक्स क्रॉपिंग को हटाने के लिए, तीसरा रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, चौथा इंडियन नेविगेशन को इंक्रीज करने के लिए, एंड पांचवा आपके पास डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पर्पज से यूज में लेने के लिए। ओके तो जैसे हमने एडवांटेज पढ़े हैं बेटा, ऐसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ जल्दी से डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब आपके पास जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है टॉपिक का? डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर बेटा क्या है? 4, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से हैं डिसएडवांटेज? कौन कौन से हैं? चलिए अब पहला डिसएडवांटेज, कोई भी वाटर लॉगिंग, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, तो परकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर, हाँ जो भी है ठीक है। चलिए पहला आपके पास क्या होता है कि अगर आपने, मैंने आपको दिखाया कि पानी किस तरीके से फील्ड पर अप्लाई किया जाता है। देखो मैंने कि पानी के लिए पहले हमने एक डायवर्जन वर्क बनाया, डायवर्जन के लिए फिर कैनाल रेगुलेशन करके मेन कैनाल में लेके आए, मेन से ब्रांच में, ब्रांच से मेजर, मेजर से माइनर, और माइनर से कहां पर लेके आ रहे हैं? फील्ड पर। तो मतलब आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है? ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आपके पास क्या होगा? वो ज्यादा होगा। क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है क्या बेटा? मनोज बेटा क्या तुम पहले पढ़ चुके हो, या क्या आप आरएसएम एसएसबी वाले में पढ़ लिए क्या आपने? बताइए। हाँ, तो फिर अब चुप रहिएगा, बाकी लोगों को भी आंसर देने दीजिएगा। अच्छी बात है आप लोगों को अभी भी आपको पता है, बट मैं यही चाहूंगा कि बाकी लोगों को आंसर देने का मौका मिले, ठीक है, उनको भी सोचने की जो क्षमता है उनके दिमाग की वो भी खुलने दे, ठीक है। हाँ तो मैं यही क्या चाहूंगा कि आप थोड़ा चुप रहे और बाकी लोगों को आपके पास होने दें, ठीक है। चलिए दूसरा बात आपके पास क्या करते हैं, अगर आप दूसरे की बात देखोगे तो हमने बात किया था कि इरिगेशन में क्रॉप्स के ऊपर पानी को अप्लाई करना है, ठीक है, जो भी आप मेथड से देना चाहते हैं पानी फील्ड पर आप दे सकते हैं। ओके, अब होता क्या है कि मान के चलो आप पानी दे रहे हैं और आप कंटिन्यूसली पानी देते जा रहे हैं फील्ड पर, अब क्या होता है कि पानी ग्राउंड के अंदर जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है और धीरे धीरे, पानी को कोई रोक नहीं सकता, ये बात याद रखना, पानी धीरे धीरे जाता हुआ किसको ज्वाइन करेगा? ग्राउंड वाटर टेबल को, और टाइम के साथ में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज, और एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि ग्राउंड लेवल से भी ऊपर पहुंच जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंचेगा तो पूरी जगह पे पानी पानी हो जाएगा सरफेस पर, और इस तरीके को ही कहा जाता है वाटर लॉगिंग। क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्या होता है, कब होगा ये बात करते हैं, कब होगा? ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन में लीड टू, ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग, में लीड टू वाटर लॉगिंग। ओके, और ये वाटर लॉगिंग क्या होती है, इसको कैसे रोका जाएगा, ये सब कुछ मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, कैसे रोक सकते हैं, जो भी इसके मेजरमेंट होते हैं वो सब चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं, पर आप थोड़ा थोड़ा बेसिक याद रखिए, ठीक है। ओवर इरिगेशन के कारण से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो यहां पर लिख लो पहले नोट करके, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है बेटा,
नोट करके इसको स्टार कर लो, इसको स्टार कर लो, क्योंकि अभी दो तीन बार काम आएगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। लिख लो पहले, अभी बाकी बात बाद में करेंगे। वाटर लॉगिंग क्या होती है लिखिए इसके अंदर, यहां पर लिखिए। In this, filling the voids of root zone with water, and stop the aeration process। नोट करिए इसको। सर कैनाल सीपेज में भी तो होती है ना वाटर लॉगिंग? नहीं बेटा, कैनाल सीपेज से जो वाटर लॉगिंग होती है तो बेटा वो तो सरफेस के नीचे जाएगा ना, वो तो सरफेस के नीचे जाएगा। कैनाल से सीपेज हो रहा है तो, और नीचे जाके कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा, बट वो हार्मफुल नहीं होती बेटा, ठीक है। वाटर लॉगिंग बेटा आपके पास क्या होती है, देखो मैं बताता हूं एक बार डायग्राम से समझना इस चीज को, और है ना। देखिए होता क्या है, ये आपके पास ये ग्राउंड लेवल है, ओके, और ये आपका कहीं ना कहीं है ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर है ना? जीएल मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल, और जीडब्ल्यूटी क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहां पे मान लो कोई आपके पास क्रॉप्स है, यहां पे आपके पास कोई क्रॉप है जो आप उगा रहे हैं, और यहां पर इसके ये क्या है, रूट जोन है। इस तरीके से आपके पास क्या है, क्रॉप्स के रूट जोन है। अब आप क्या करते हैं, यहां पे आपने वाटर अप्लाई करा, कौन सा, फर्स्ट वाटरिंग। पानी जब आप अप्लाई करोगे, कुछ पानी जो आपके पास होगा वो यूज कर लिया जाएगा कहां पे, इन क्रॉप्स के रूट्स के अंदर, और कुछ पानी जाके ज्वाइन करेगा किसको, ग्राउंड वाटर टेबल को। जब भी पानी ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा तो कुछ ना कुछ इसका हाइट इंक्रीज होगा। अब ग्राउंड वाटर टेबल बेटा इंक्रीज होके थोड़ा सा इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब आपके पास क्या है कि जब पानी यहां से क्रॉप्स के अंदर जा रहा है, और यहां पे छोटे छोटे से वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे से वॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जब सोइल के अंदर से पानी जाता है रूट जोन में तो ग्रोथ करता है, और साथ में एयर भी लेता है, कहां से, एनवायरमेंट से। और एयर जब आपके पास लेता है ना अपनी ग्रोथ के लिए, वो भी जरूरी है, एयर प्रोसेस चलता है वहां पर, ठीक है, रूट जोन के अंदर। तो ये वॉइड से एयर ले रहा है, आउटर में चल रहा है प्रोसेस, ग्रोथ करता जा रहा है। अब आपने पानी बेटा दिया कौन सा, सेकेंड वाटरिंग, कौन सा दिया, सेकेंड वाटरिंग। अब आपके पास क्या होगा, अगेन बेटा कुछ पानी जो होगा वो यूज कर लिया जाएगा इन रूट जोन के अंदर, और कुछ पानी अगेन जाके ज्वाइन करेगा किसको, ग्राउंड वाटर टेबल को। अब जैसे ये बेटा ज्वाइन करेगा ग्राउंड वाटर टेबल को, ये अगेन इंक्रीज कर चुका होगा, अगेन आपके पास इंक्रीज कर चुका होगा, और कहां पे चल जाएगा, यहां पर ऊपर आप पानी आ जाएगा। जैसे जैसे आप पानी देते रहोगे ये लेवल इंक्रीज होता रहेगा, और एक टाइम के बाद में जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाएगा। अब आपके पास क्या होने वाला है, ये पूरा की पूरा जो वॉइड्स थे अंदर के, उनके अंदर जा चुका है पानी, और पानी तो रूट्स में चले गया, पर बेटा जो एयर चाहिए थी उसकी ग्रोथ के लिए वो तो आना बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये आपके पास एयर एनवायरमेंट से आना बंद हुआ, ये बेटा खत्म हो जाएगा, और अंदर ही अंदर अपने प्रोडक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। अब जितना प्रोडक्शन हो चुका है उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा, और आगे की ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। इसी कारण से वाटर लॉगिंग हमारे लिए बेटर नहीं होती, इसी कारण से हम इसको किस में पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज में। क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हो गया मनोज बेटा? हाँ तो बोल ही सकते हो, हाँ तो बोल दो कम से कम, हाँ बना लो डायग्राम, ठीक है। ये क्रॉप है,
देखो डायग्राम खराब है, मैं पहले ही कह रहा हूँ ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर तुम बाद में कहोगे। बना लो डायग्राम, बना लो ये। एरेशन का मतलब होता है कि बेटा वाइड से के कारण वो एयर के कांटेक्ट में आना। एरेशन का मतलब समझिए एयर के कांटेक्ट में आना। अब एयर में ऑक्सीजन होता है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा राहुल? ठीक है, बना लिया आप सभी ने? पेज दिखाओ। ये बेटा PRI क्या है? अच्छा प्रीवियस पेज दिखाओ। दिवेश सर क्या क्या डेवलप कर जाते हैं समझ नहीं आता। बना लिया आप सभी ने? चलिए चलिए, स्टॉप दी एरेशन प्रोसेस। ताराचंद बेटा क्या है? स्टॉप दी एरेशन प्रोसेस, ठीक है? बेटा नोर अभी ठीक हो रहे हैं, मतलब कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि ठीक होते ही नहीं आ सकते, ठीक है? चलिए तीसरे बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, ठीक है? तीसरा आपके पास क्या है? इरिगेशन में लीड टू, इरिगेशन में लीड टू वेट क्लाइमेट, लीड टू वेट क्लाइमेट विच मे बी, विच मे बी कॉज ऑफ, विच मे बी कॉज टू पब्लिक हेल्थ डिजीज। ओके एग्जाम्पल लिख देता हूं, पानी के कारण से जो भी बीमारी होती है, ठीक है? जैसे आपके पास हो गए डेंगू, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर मलेरिया। बेटा आपके पास होता क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ होता क्या है कि आप इरिगेशन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में पीछे दिखाया था कि पानी का लेवल इंक्रीज होता जाता है। अब आपके पास क्या होता है कि जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 5-10 साल आपके पास, तो होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट है जो पहले गर्म था या नॉर्मल था, वो धीरे धीरे वाटर ऊपर लेवल होने के कारण से वहां पे एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। क्लाइमेट ठंडा हो जाने के कारण से आपके पास वहां पे क्या होते हैं कि वहां पर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती है। क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? इरिगेशन के लिए पानी की पीएच कितनी होनी चाहिए बेटा? 6.5 से 8.5, इतना आपके पास होना चाहिए जो पानी हम यूज में लेते हैं, ठीक है? पर अगर पीएच वैल्यू अगर 10 से ज्यादा हो जाती है और उस पानी को अगर हम यूज कर लेते हैं सोइल पर, तो समझ जाना कि वो सोइल इनफर्टाइल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में। हाँ लिख लो बेटा, इसको लिख लो। नहीं बताएंगे पीएच बेटा, ये लास्ट में आपको बताया ना मैंने, वो क्वालिटी पैरामीटर आपको सुधीर बेटा वहां पे बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है? क्वालिटी पैरामीटर जहां बताए वहां पे हम लिखवाएंगे इसको। अभी पहले बताएंगे तो फिर मीन्स नहीं रह जाएगा, जब क्वालिटी पैरामीटर में डिस्कस करना है तो वहीं पर करेंगे, ठीक है ना? चलो नोट कर लिया आप सभी ने?
चलिए। हाँ हिमांशु बेटा, तुम्हारी कसम नहीं छुपाएंगे, सब बताएंगे तुम्हें, सब बताएंगे तुम्हें, ठीक है। चौथा, चौथा इरिगेशन में लीड टू, इरिगेशन में लीड टू, लीड टू सीपेज ऑफ नाइट्रेट, सीपेज ऑफ नाइट्रेट। क्या कह रहा है कि जो इरिगेशन होता है इस कारण से नाइट्रेट का सीपेज होता है। नहीं बेटा, 6.5 से 8.5, 6.5 से 8.5 इनफर्टाइल, 10 से ज्यादा होने पर सोइल इनफर्टाइल हो जाती है और ऐसी सोइल को ऊसर सोइल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझिए बात को, देखो होता क्या है, ये क्या है नाइट्रेट आपके पास क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सीपेज ऑफ नाइट्रेट से कारण क्या होने वाला है, ठीक है, कोई काम की नहीं होती फिर। हाँ अब देखो अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है ना, क्वेश्चन बनता है यहां से। देखो ये आपके पास है ग्राउंड लेवल और ये आपके पास है ग्राउंड वाटर टेबल, ये मेरा जो क्रॉप सही यहाँ पे उगा हुआ है और ये इसकी रूट्स हो गई, ये इसकी रूट्स हो गई। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर सोइल के अंदर कुछ न्यूटन्स की कमी हो जाती है, जो आपके पास नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटेशियम होते हैं। अगर सोइल में इनमें से किसी भी न्यूटन्स की कमी हो जाती है तो हम लोग है ना एक चीज को यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिया, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजर। क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजर। यूरिया और फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल होते हैं जिस कारण से सोइल के अंदर जो आपके पास न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट आपके पास क्या है, एनपीके। सोइल के लिए, इरिगेशन के लिए आपके पास जो न्यूट्रेंट रहते हैं वो क्या है, एनपीके। एन आपके पास बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन आपके पास होता है, पी आपके पास क्या है, पोटेशियम होता है, ठीक है, और के आपसे आपके पास क्या रहता है, फास्फोरस आपके पास रहता है। लिख लेना एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये आपके पास न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो सोयल के अंदर कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडिया में यूज किया जाता है यूरिया या फर्टिलाइजर जो कंप्लीटली केमिकल के होते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपने जो यूरिया डाला था वो यूरिया इस जगह पे है, इस जगह पर है, कहां पर, सरफेस के ऊपर है। पर तुम्हें मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे ही तुम पानी दोगे, जिसे हमने क्या कहा था, वाटरिंग, जैसे ही बेटा तुम पानी दोगे तो पानी के साथ में जो ये यूरिया था वो भी तो इस ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, बताओ। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास पानी है, ये पानी जो आपके पास ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर जा रहा है, कुछ तो यूज कर लिया जाएगा क्रॉप्स के थ्रू और बाकी का पानी कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल में। पर साथ में जो यूरिया यूज किया था, जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, वो भी तो जाके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा। जैसे ही ये ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करता है, जैसे ही बेटा ये ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करता है, अब आपके पास क्या होता है कि आपने यहां पे मान के चलो कुआं बना दिया। आपने कहा भाई कुएं में से पानी हम निकालेंगे, भाई निकाल लो। तुम कुएं में से तुमने क्या बना दिया, यहाँ पे वेल बना दिया, ट्यूबवेल बना दिया, जो भी। यहां से अगर आप इस पानी को यूज ले रहे हैं फॉर दी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, किस पर्पज से यूज में ले रहे हैं, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के अकॉर्डिंग इसको यूज में लिया जा रहा है, इस ट्यूबवेल को या वेल को, तो बेटा पानी तो यही तो जाएगा, यहां पर जो पानी होगा यही तो जाएगा यहां से। अब इस पानी जो आपके पास इस वेल के अंदर से यूज किया जा रहा है, और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इस ग्राउंड वाटर टेबल के कारण जो इरिगेशन कर रहे थे वो यहाँ यूरिया को किस में मिला दिया, इस ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर, और यही पानी आप यूज ले रहे हैं डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ये जैसे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई अगर कोई यूज करता है, अगर ये वाटर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई यूज करता है और इसके अंदर बेटा आपके पास क्या है, नाइट्रेंट है, जो कि पानी में जीरो वैल्यू का होना चाहिए। अगर ऐसे पानी को यूज कर लोगे, अगर बेटा ऐसे पानी को यूज कर लोगे तो आपको क्या होने वाला है यहां पर, ठीक है।
यहाँ पर बीमारी लगने वाली है, डिसीज हो जाएगा इन्फेंट में। इन्फेंट्स मतलब होते हैं बेटा जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो लोग, है ना। हाँ, इन्फेंट हो जाएगा, डिसीज क्या हो जाएगा किसमें, इन्फेंट्स में या बच्चों के अंदर। और इस बीमारी को मैं नीचे करके लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एरो बना के लिखना। और ऐसी डिसीज को बेटा बोला जाता है ब्लू बेबी डिसीज। क्या बोला जाता है? ब्लू बेबी डिसीज, जिसमें आपके पास जो बच्चों के सिर होते हैं, वो ब्लू टाइप के आपके पास निकल के आते हैं। अगर ऐसा बच्चा जो आपके पास इस वाटर को यूज कर चुका है, जिसके अंदर नाइट्रेट है, उस बच्चे को बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी डिजीज, जिसे बोला जाता है मेथोग्लोबेनिया, जिसे आप इन्वायरमेंट के अंदर भी आप पढ़ोगे, जो देवकरण हमें बता रहे हैं बिल्कुल सही। इसी के ही ब्लू बेबी डिजीज का जो आपके पास जो डॉक्टर ने नेम दिया है वो यही है, मेथोग्लोबेनिया। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? ये बना लो, ये पूरा कहानी बना लो। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर इरिगेशन वाटर के अंदर नाइट्रेट हो है तो एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो ये इसका नाम है ब्लू बेबी डिजीज। और कभी कभी पूछ लेता है ब्लू बेबी डिजीज किस केमिकल के कारण से हो जाता है, तो बेटा याद रखना नाइट्रेट के कारण से, नाइट्रेट के कारण से। बना लो बेटा इसको, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर देना इसको। बेटा बेबी है वहां पर, फीलिंगों को समझा करो बेटा, क्या कह रहे हैं ये भी तो पता हो। क्लियर है? इन्फेंट का मतलब बेटा बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए। क्लियर है कि बेटा सुदीप? हाँ, नवजात शिशु बिल्कुल सही। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। करिए, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डिसएडवांटेज जो हमने पढ़े हैं वो आपके पास कौन कौन से है? पहला, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको ज्यादा चाहिए। दूसरा, आपके पास वाटर लॉगिंग होगा अगर आप ओवर इरिगेशन करते हैं। तीसरा, क्लाइमेट चेंज हो जाता है कंटिन्यूअसली इरिगेशन का यूज करने पर, जो डेंगू और मलेरिया को इफेक्ट करते हैं। चौथा आपके पास है कि इसके के कारण से नाइट्रेट का सीपेज होता है, जिसके कारण से बच्चों को ब्लू बेबी डिसीज हो जाता है, ठीक है, जो कि नाइट्रेट के कारण से होता है। तो ऐसे को हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके हमारे पास फर्टिलाइजर पावर को बढ़ाने के लिए यूरिया का यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया। बेटा जो आपके पास ये जो एरिया है वो आपके पास इरिगेशन पर्पस से बनाए गए हैं। मतलब यहां पर आपके पास दो टाइप के एरिया की हम डिस्कस करते हैं। एक आपके पास जो एरिया होता है उसे बोलते हैं, उसे आपके पास कहा जाता है एरिड एरिया, ओके। जैसा एरिड का मतलब बेटा आपके पास क्या होता है? ड्राई। और दूसरा आपके पास जो एरिया है
उसे बोला जाता है आपके पास क्या, सेमी एरिड सेमी एरिड एरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होती है, बात हम इसकी करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, एरिड एरिया का मतलब होता है सूखा, मतलब ऐसी जगह जहां पे बरसात ना मात्र होती है, ना मात्र मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही कहेंगे, तो ऐसी जगह जहां पे बरसात ना के बराबर ही होती है, तो यहां पर हमें इरिगेशन देना ही पड़ेगा, इरिगेशन हमें यहां पर देना ही पड़ेगा। तो हम यहां पर समझने के लिए लिख देता हूं मैं आपको, ऐसी जगह जहां पर आपके पास आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा वो, हाँ बेटा अर्पित बेटा नया टॉपिक है, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा वो क्या कहलाता है, एरिड एरिया कहलाता है, ठीक है। वेयर वेयर इरिगेशन इज कंपल्सरी कंपल्सरी, ओके। और ये आपके पास, और ये आपके पास एरिया कौन सा है, सम क्रॉप्स रिक्वायर्ड इरिगेशन, ओके। देखिए, एरिड एरिया वो एरिया था जहां पे बरसात होता ही नहीं, तो वहां पे आपको इरिगेशन तो देना ही पड़ेगा सभी क्रॉप के लिए, सभी मतलब सभी। वैसे मैं बता देना चाहूंगा आपको, क्रॉप ना दो टाइप की होती है ना, मैं बताना चाहूंगा क्रॉप दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास मेन क्रॉप्स, ठीक है, लिखना है इसको, मैं बताऊंगा कहाँ लिखना है, एक होती है मेन और एक होती है सेकेंडरी। क्या होती है, सेकेंडरी। मेन क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसे आप उगाना चाहते हैं, समझ गए क्या, मेन क्रॉप्स कौन सी है जिसे आप उगाना चाहते हैं। सेकेंडरी क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसे आप उगाना नहीं चाहते बट वो उग जाती है, जिसे आप उगाना नहीं चाहते बट वो उग जाती है, ऐसी क्रॉप्स को ही बोला जाता है क्या, इनफीरियर क्रॉप्स। और आपने बचपन में पता है किस नाम से इसको पढ़ा होगा, खरपतवार, बिल्कुल सही, क्लियर है, क्लियर है क्या, कि खरपतवार की। अब आपके पास क्या है, एरिड एरिया है, बिल्कुल गर्मी है, तो मतलब यहां पे किसी भी टाइप की फसल उगाओ, मेन या प्राइमरी, आपको इरिगेशन देना ही देना है। मतलब अगर हम यहां पे बात करें सेमी एरिड आपके पास पे, नहीं बेटा मेरा नहीं है, ठीक है, और मैं बनाता भी नहीं, और जो सेकंड है वो कौन सा है, सेमी एरिड वाला है। सेमी एरिड वाला आपके पास क्या होगा, कि मतलब यहां पर जो सेकेंडरी क्रॉप्स है इनको उगाने के लिए पानी नहीं देना, पर जब आपके पास जो मेन क्रॉप्स है इसको उगाने के लिए पानी देना पड़ेगा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, सुधीर बेटा थोड़ा बहुत तो रखो, हम लिखवाएंगे तुम्हें, तुम्हारी कसम ये चीज मैं लिखवाऊंगा, पर अभी बता तो दे, समझा दे, क्योंकि वहां फिर डायरेक्ट लिखवाएंगे, फिर तुम पूछोगे सर मेन क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है। तो एरिड एरिया कौन सा, जहां पे आपको दोनों क्रॉप्स के लिए पानी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इरिगेशन क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, सेमी एरिड जोन, सेमी एरिया, सेमी एरिड एरिया, ऐसे एरिया जहां पे मेन क्रॉप्स को तो पानी देना पड़ेगा पर जो सेकेंडरी क्रॉप्स है इसको उगाने के लिए पानी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो ओनली कुछ क्रॉप्स के लिए होने वाली है, तो यहाँ पे जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो ओनली कुछ क्रॉप्स के लिए होने वाली है। कितने बच्चे लाइव आ रहे हैं बेटा, 65 आ रहे हैं। चलो लिखो, पहला पहले हेडिंग डालिए, सम क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है, सम क्रॉप्स में वो क्रॉप्स आती है जिसे आप उगाना चाहते हैं, मैंने बताया ना सेकेंडरी कौन सी है, खरपतवार, जिसे आप उगाना नहीं चाहते, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, एरिड एरिया, सबसे पहले हेडिंग डालो, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया में मैंने दो चीजें बताई हैं, एक एरिड और दूसरा सेमी एरिड। अब हेडिंग डालो एरिड एरिया, जो तुम्हारा मन करे बेटा वो उगा दो,
एरिड, हेडिंग डालिए एरिड एरिया, ठीक है। लिखिए यहां पे, लिखना एरिया वेयर इरिगेशन, वेयर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, इरिगेशन इज मस्ट बी रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रॉप, ब्रैकेट में लिखना बेटा मेन एंड सेकेंडरी, ब्रैकेट में लिखो मेन, मेन एंड सेकेंडरी, मेन एंड सेकेंडरी क्रॉप्स, एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स मेन या सेकेंड, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिख लो, ऐसे एरिया कौन कौन से हैं, जैसा आपके पास थार एरिया हो गया, आपके पास कच्छ एरिया हो गया, या फिर लेह लद्दाख वाला एरिया हो गया, वहां पर आपके पास जो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वहां पर बेटा बरसात नामात्र के बराबर होती है, ठीक है। अपना राजस्थान का कौन सा हो गया, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, इन जगह पे आपको देना ही पड़ेगा पानी, ठीक है। हाँ कच्छ गुजरात, बिल्कुल सही, नॉन टेक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बेटा, बहुत सही है, बहुत सही। चलो क्लियर है क्या यहां तक, कच्छ कहाँ है बता तो दिया देवकरण ने, वेवा बेटा बता तो दिया, अरे तुम्हें यही नहीं पता कच्छ में दलदल कहाँ है, बीच में एरिया ऐसा, बीच में एक एरिया ऐसा पड़ जाता है बिल्कुल रेतीला एरिया है, इस तरफ पानी है उस तरफ समुंदर है, बीच में बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है, तुम गए नहीं, अभी अभी चला था फेस्टिवल, जाते तुम वहां पर, जाया करो अच्छी जगह है, पर सिलेक्शन लेने के बाद अभी घूमने जाओगे पाप लगेगा तुम्हें, पहले पढ़ लो सिलेक्शन ले लो उसके बाद घूमने जाया करो। लेह लद्दाख, ताराचंद बेटा कच्छ के बाद लिखा है लेह एंड लद्दाख, ठीक है, सेमी एरिड एरिया, एरिया इन विच, एरिया इन विच कल्टीवेशन, एरिया इन विच कल्टीवेशन ऑफ इन्फीरियर क्रॉप्स, इन्फीरियर क्रॉप्स के बेटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेकेंडरी क्रॉप, बेटा जल्दी जॉब लगे, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इन्फीरियर क्रॉप्स बेटा इसके यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेकेंडरी क्रॉप्स, सेकेंडरी क्रॉप्स एरिया इन विच कल्टिवेशन ऑफ इन्फीरियर क्रॉप्स कैन बी परफॉर्म, कैन बी परफॉर्म विदाउट, विदाउट इरिगेशन, विदाउट इरिगेशन एंड फॉर कल्टीवेशन, एंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनी अदर क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ एनी अदर क्रॉप्स रिक्वायर्ड इरिगेशन,
रिक्वायर्ड इरिगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें तो आप लिख सकते हैं, जैसे अपने पास जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, तेलंगाना हो गया, बहुत सारे एरिया आ गए इसमें, तो बाकी जो वो वाला एरिया बच गया वो सब इसमें आ जाएंगे। अब पाप लगेगा इससे ज्यादा कुछ बोले तो। बेटा कह नहीं सकते, अर्पित बेटा नोट कर लिया आप सभी ने? डायरेक्ट पूछ रखा है, ये ही डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में, ये वाला, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आया, पूछा एरिया कौन सा है, एरिड, सेमी एरिड, बोथ या आंसर, ये वाला। अच्छा इन्फिल क्रॉप्स क्या होते हैं, चलो बताते हैं बेटा, रुको एक बार, मनमोहन बेटा पहले नोट कर लो फिर तुम्हें इन्फिल क्रॉप्स के बारे में बताते हैं। सर आज और कल जल्दी छोड़ देना, नेट खत्म होने वाला है, सुबह 8 बजे से चंदा है। ओके बेटा जैसा तुम कहो, तुम्हारे लिए ही तो है बेटा ताराचंद, बेटा तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी कसम तुम्हारे लिए है, तुम क्या हो अभी छोड़ दे, तुम क्या हो तो सही। चलो पर तुम नहीं क्या होगे, मुझे पता है तुम नहीं क्या होगे, तुम्हें पढ़ना है, मुझे पता है बेटा कि तुम्हें पढ़ना है, तुम कभी कह ही नहीं सकते, तुम यही क्या होगे सर पढ़ाते रहो। इन्फीरियर क्रॉप्स, अब देखो इन्फीरियर क्रॉप्स क्या होता है मैं बता देना चाहता हूं उनके बारे में, तुम्हारी कसम, कसम खाने से नहीं मरता कोई भी, तुम्हारी कसम। इन्फिल क्रॉप्स क्या होता है, अब ये देखिए, आपको मैंने क्या कहा था कि सोइल के अंदर किसी क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या चाहिए, एनपीके, सोइल के अंदर ये तीन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसी क्रॉप्स जो विदाउट इन न्यूट्रिएंट्स के उग सकते हैं उन्हें इन्फीरियर क्रॉप्स कहते हैं। दूसरी बात, पहला क्या है, सोइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो भी ये उग जाएगी। दूसरी बात, अगर कहीं पे पानी कमी है, अगर कहीं पे पानी की कमी है तो आप इन क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो मतलब वो क्रॉप्स जिनको उगाने के लिए ना तो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ना ही मुझे ज्यादा पानी चाहिए, ऐसी क्रॉप्स को कहा जाता है इन्फीरियर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? क्लियर हो गया? कुलदीप बेटा हमने ये कहा है कि आपके पास इन्फिल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको उगाने के लिए ना तो सोइल में किसी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और ना ही ज्यादा पानी की, ऐसी क्रॉप्स को इन्फीरियर क्रॉप्स कहा जाता है, ऐसी क्रॉप्स को इन्फीरियर क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है मैं लिख देता हूं आपको जो दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होती है इन क्रॉप्स की, वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस, इन क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी की जरूरत क्या होती है, कम होती है। ओके, और दूसरी जरूरत आपके पास इसका, आपके पास क्या है, सोइल, सोइल क्वालिटी इज पुअर, जहां सोइल की क्वालिटी पुअर होती है वहां पे भी आप इनको उगा सकते हैं, ठीक है। सोइल क्वालिटी इज पुअर, पुअर का मतलब बेटा समझ जाना, इसका मतलब आपके पास क्या है, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन एन पी के न्यूट्रिएंट। ओके, ऐसी सोइल जिसमें एनपी के न्यूट्रेंट नहीं होते उन्हें बेटा पुअर सोइल कहते हैं, उस सोइल को क्या कहते हैं, पुअर सोइल कहते हैं। एनपी के का मतलब बेटा क्लियर है ना आप सभी को, गलती मत करना, एनपी के का मतलब क्लियर है आप सभी को या नहीं बताइए। ठीक है, क्लियर रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है, 2020 वाले में ही पूछ लिया था कि सोइल को क्या
21 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती इरिगेशन पर्पस से। तो पहला था आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा था सोडियम क्लोराइड एंड तीसरा था पोटेशियम एंड चौथा था आपके पास फास्फोरस। तो आंसर आपको पता है क्या देना है, आंसर आपको पता है क्या देना है, क्लियर ना? हाँ बस सेकंड, बिल्कुल सही देवकरण, निकल जाएगा बेटा पेपर तुम्हारा, परेशान मत रहा करो, खुश रहा करो तुम, बस पढ़ते रहना और सदा खुश रहना, ठीक है? इसकी जैसी ही एक क्रॉप्स और आती है कंफ्यूज करने के लिए, इनफिर क्रॉप्स आप सभी समझ गए होंगे, इसी की जैसी है ना एक क्रॉप्स और आती है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जिसे बोला जाता है आपके पास लेगुमिनियस क्रॉप्स। क्या बोला जाता है? लेगुमिनियस क्रॉप्स, ये आपसे पूछा जाता है। ओके चलिए इनके बारे में बात करते हैं क्या होती है। बिल्कुल सही वेबा बेटा, आपका भी सही है। अब बात करते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स, ठीक है? अब ये आपके पास क्या होते हैं, देखो जो हम पढ़ते हैं ना इनफीरियर क्रॉप्स, उसके जैसे ही होती है, इनको भी उगाने के लिए सोइल में न्यूट्रंस की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दूसरी बात इनको भी उगाने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर बात क्या है कि सर ये उससे डिफरेंट कैसे होती है, ये इसका डिफरेंट होने का रीजन ये है कि जो ये वाली आपके पास क्रॉप्स होती है, ये अपने रूट्स के अंदर से एक बैक्टीरिया छोड़ती है, ये जो क्रॉप्स है ये अपने रूट्स के अंदर से एक बैक्टीरिया छोड़ती है हर कुछ टाइम के बाद में, और उस बेटा बैक्टीरिया को बोला जाता है आपके पास क्या, रिजोबिया। उस बैक्टीरिया को बेटा क्या बोला जाता है, रिजोबिया। ये रिजोबिया एज ए मैन्योर, एज ए मैन्योर जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर, एज ए ग्रीन मैन्योर मतलब एज ए खाद की तरह हम यूज कर लेते हैं, और आपको पता है कि जो खाद होती है उसमें भी कुछ ना कुछ कीड़े निकलते रहते हैं, वो कीड़े ही तो हमारे लिए जरूरी हैं। तो कहते हैं कि वो जो गोबर खाद है उसको खेत में डाल दो, उगाते वक्त देखा होगा आपने, पहले गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं एक गुबन सा बना के, और जैसे ही आपके पास सोइल का टाइम आता है मतलब कि क्रॉप्स का टाइम आता है, तो सारा गोबर लिया जाता है और साथ में फैला दिया जाता है कहां पर, खेतों के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा उस गोबर खाद के अंदर एक आपके पास देखना एक अजीब से कीड़े से निकलते हैं, उन कीड़े को अंदर से एक ना आपके पास केमिकल निकलता है, उस केमिकल के अंदर होते हैं एनपीके, जो कि सोइल की फर्टिलिटी पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से ये क्रॉप्स हमारे लिए क्या होती है, जरूरी होती है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हो गया क्या? सोयाबीन ग्राउंडनट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही दो क्रॉप्स होती है। सुधीर बेटा लिखवाएंगे अभी, ये रिफ्रेश का कह रहे, अब क्लियर है क्या, अब थोड़ी ना टकरा है आप सभी का, ठीक है बेटा 45 पे छोड़ देंगे, ठीक है चलिए। हाँ चलिए लिखते हैं इसके अंदर, चलिए लिखिए, दीज क्रॉप्स, these crops have following two advantages, first advantage of this water requirement is less, इस क्रॉप्स को भी उगाने के लिए पानी की जरूरत बेटा क्या है, कम है, ठीक है? इस क्रॉप्स को उगाने के लिए भी पानी का रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, कम है। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है बेटा, इसको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? क्या है, these crop secret
सीक्रेट द बैक्टीरिया, सीक्रेट द बैक्टीरिया, सीक्रेट्स का मतलब होता है बेटा छोड़ना, ठीक है, सीक्रेट द बैक्टीरिया कॉल्ड एज, कॉल्ड एज रिजोबिया, कॉल्ड एज रिजोबिया विच हेल्प इन, विच हेल्प, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, या लिख देना हेल्प इन इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट, हेल्प इन, नहीं अटक रहा है ब्रो, बीरू कह रहा है, कोई बात नहीं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, या इंक्रीज द, इंक्रीजिंग द, हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी पावर ऑफ सोइल, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इंक्रीज द, विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ सोइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ सोइल, ठीक है, क्लियर है बेटा, अरे बेटा लिखने तो दे रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तो है यहां पर, कर लो नोट, आयुष बेटा तुम्हारे लिए ही तो है, तुम बोलो दोबारा लिख दे बेटा, तुम्हारे लिए तो, चलिए बेटा क्या बताना है दोबारा, नेट खत्म हो रहा है आपका, तो बस एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन हम कल कर देंगे, ठीक है बेटा, सर सीक्रेट मीन्स बेटा छोड़ना, 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 ये क्रॉप्स एक बैक्टीरिया छोड़ती है जिसे रिजोबिया कहा जाता है, ठीक है, हाँ रिलीज करना ये भी सही है, छोड़ना भी ठीक है अगर हिंदी में पूछना चाहते हैं तो, ठीक है, जो कि हमारे सोइल की फर्टिलिटी पावर को हेल्प करने में हमारी मदद करती है, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या, चलिए 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 लास्ट लास्ट टॉपिक, लास्ट लास्ट लास्ट, अब बस खत्म, उसके बाद फाइनल, फाइनल है बेटा, ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो टाइप एंड टेक्निक से ही आता है, जान ले लो बच्चों की तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कहकर, सिर्फ तुम्हारे लिए, सच कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन बेटा ये आपके पास दो टाइप की होती है, ठीक है, एक आपके पास होता है सरफेस पर, एक होता है सब सरफेस पर, ओके, एक आपके पास क्या है सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन का मतलब बेटा आपके पास क्या होता है, अगर आप वाटर को डायरेक्टली रूट जोन के सरफेस पर, अगर आप डायरेक्टली क्रॉप के सरफेस पर पानी को अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सरफेस इरिगेशन कहलाएगा, अगर बेटा अगर आपके पास जो पानी है वो डायरेक्टली रूट जोन में दे रहे हैं, क्योंकि देखो ये ग्राउंड लेवल है और रूट जोन यहां पर है, आप पानी डायरेक्टली कहां दे रहे हैं, रूट जोन के अंदर, तो बेटा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सब सरफेस, क्या कहलाएगा सब सरफेस इरिगेशन, ओके, अगर मैं क्या कह रहा हूं क्रॉप्स के ग्राउंड पर अगर पानी दे रहे हैं तो सरफेस, अगर आप क्रॉप के रूट जोन में डायरेक्टली पानी दे रहे हैं तो सब सरफेस,
ओके बेटा, बस लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट है, ये समझ लो सिर्फ लास्ट है। जितेश बेटा क्या कहें तुम्हें, क्या कहें, अब तुम कसम देकर ऐसे कह देते हो ना कि अब पाप लगेगा, ये गलत है आईपीएल वालों का, गलत है। चलो देख लो, थोड़ा सा देख लो, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सा देख लो, है ना। सरफेस इरिगेशन के अंदर जब मैंने बताया कि क्रॉप के सरफेस पे आपके पास पानी को रखना है, अब आपके पास जो पानी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास अगर ग्रेविटी फ्लो हो रहा है तो बेटा उसको बोला जाता है आपके पास क्या, फ्लो इरिगेशन। क्या बोला जाता है, फ्लो इरिगेशन बोला जाता है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सरफेस पे पानी देना है और ग्रेविटी फ्लो हो रहा है तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा, फ्लो इरिगेशन बोला जाएगा। अगर आप ग्रेविटी मतलब पानी, जैसे हमारा छत पे होता है, हमारे घर की छतों पे पानी टंकी छत पे रखा है और नीचे हमें पानी चाहिए तो पानी अपना आप ही आ जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। सेम ऐसे ही होगा कि जो आपके पास कैनाल होगी वो ऊपर लेवल पर है और जो फील्ड है वो यहाँ पर है, तो कैनाल के अंदर से अगर मैं जरा सा भी आउटलेट दूंगा तो पानी डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, फील्ड पर। तो यहाँ पे जो पानी अप्लाई होगा ग्रे फील्ड के ऊपर वो सिर्फ कैसे होगा, सिर्फ ग्रेविटी फ्लो से होगा। हाँ, रन ऑफ फ्लो कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है लिफ्ट इरिगेशन, नाम से ही पता चल रहा है, लिफ्ट करवाना पड़ेगा इसको। और अब लिफ्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब तुम्हारे पास जो पानी है वो नीचे है भाई, तुम्हारे छत का टंकी खत्म, तो पंप पानी कहाँ है तुम्हारे, कहाँ पे टैंक में, यहां लग रहा है मोटर, मोटर की हेल्प से पानी कहाँ चढ़ा देते हो, टंकी पर। तो सेम बात यहां पर होगा, पानी है यहां पर और फील्ड है यहां पर, अब पानी यहां से यहां पर कैसे पहुंचाओगे, या तो पंप की हेल्प से, या वेल यूज करोगे, या ट्यूबवेल यूज करोगे, क्लियर है। तो यहां पे पानी का जो लेवल है वो तो है आपके पास कहां पे, पानी जो चाहिए, मैंने कि फील्ड कहां पर है, अपर, और अवेलेबल वाटर कहां पे है, नीचे। तो पंप की हेल्प से पानी को कहां पे लेके जाएंगे, ऊपर पे लेके जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट इरिगेशन। ऐसे ही बेटा आपके पास जो ये आपके पास सब इरिगेशन होता है, ये भी आपके पास दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास नेचुरल, एक होता है नेचुरल सब सरफेस, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, और एक आपके पास होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। इन दोनों को मैं बेटा कल डिस्कस करना चाहूंगा कि आपके पास ये क्या होता है, ये बना लेना पूरा की पूरा, इसी को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, सरफेस फिर सब सरफेस फिर फ्लो फिर लिफ्ट फिर नेचुरल फिर आर्टिफिशियल, ओके। बाकी हम डिस्कस कब करेंगे, कल की क्लास में, तो आना मत भूलना, और जगते रहो और पढ़ते रहो, वापिस मुलाकात होगी तुमसे कल। और ये नशा छोड़ दो बेटा, ये गलत है, ये आईपीएल का जो भी तुम करते हो, आईपीएल मत देखना, 1 महीना वेस्ट होगा। जो भी पास्ट में सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। सुबह से क्लास ले रहे हो तो 2 घंटे सो जाओ, और जैसे उठो एक चाय पियो या फिर जो भी तुम्हें ठीक लगता है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो वापिस से। ये गलती से मत करना, ये मैच का नशा छोड़ दो, ठीक है। कौन कौन सा नशा करता है पता नहीं। चलो कल मिलते हैं बेटा आपसे, ठीक है। कल कितने बजे बेटा, सेम टाइम सेम क्लास, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या। अच्छा, अरे नाम रह गया, चलिए चलिए। देखिए जो नाम था ना, है मेरा नाम, वो नाम मेरा है नीरज महेश्वरी, ओके। और जो मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि आपके डाउट्स आएंगे जब आप क्वेश्चन लगाने लगोगे, क्योंकि मैं नंबर सब जगह से क्वेश्चन लगवाने वाले हैं, अकेडमी का एसएससी का बुक है वो, 9600 बुक है वो, और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए, फिर जब डाउट्स आएंगे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल आपको नहीं होऊंगा, सच कह रहे हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, पर जब अवेलेबल होऊंगा पर मैं आपको मैसेज जरूर करूँगा, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहे हैं, है ना, जरूर आपको मैसेज करेंगे, क्लियर है। कुलदीप बेटा पाप लगेगा,
ठीक है, तो कल मिलें। सुधी बेटा भेज देना। हाँ, जैसे जैसे भरतपुर के अंदर सब लोग भरत नहीं होते, ऐसे ही शरबती के नाम से शरबत नहीं मिलती। ठीक है सुधी बेटा, आंसर मिल गया होगा। चलो।